Okay. डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग इज योर चैप्टर 9 एंड इंटरेस्टिंगली इसमें अपने को कुछ भी नया सिलेबस बोल के एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है. ये पूरा आपको जो रेगुलर कोर्स में पढ़ाया जाता है एज इट इज है. तो देयर इज नो अपडेशन रिक्वायर्ड. ठीक. तो वी कैन स्किप कंफर्टेबली. वी कैन स्किप दिस चैप्टर कंफर्टेबली. वट एवर यू हैव डन इन आवर रेगुलर क्लासेस इट्स ऑल द सेम. देयर आर सम सम्स that you must go through. I will suggest you must go through the sums. बस आप लिख के रख लीजिए वहां ऊपर में. All are same. Must go through to the sums. वो sums का similar sum हमने class में किया हुआ है but फिर भी आपको कर लेना चाहिए. Full chapter is same as previous. But we must go through the sums and case studies here. वो case studies भी जो यहाँ पे दिए वो भी class में indirectly directly हुए हुए हैं. आपको sums और case studies पढ़ के रख देने. Full chapter is same as previous old syllabus या regular course. Must go through the sums and case studies. तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है. चैप्टर 9 इज ओवर. चैप्टर 10 में आ जाते हैं. चैप्टर 10 इज इन द नेम ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम. आइए कितना है 9 कितना पेज का है. चैप्टर 10 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम. ओके. नाउ व्हाट इज दिस चैप्टर अबाउट. ये चैप्टर में पहले जो पुराने कोर्स का इंस्टीट्यूट मैट को देखते हैं तो जनवरी 2017 का जो इंस्टीट्यूट का मैट का एडिशन आया था उसमें उन्होंने पहली बार ये चैप्टर क्रिएट किया था. पुराने कोर्स का मैट में क्रिएट कर दिया था. ओके. अब उस समय इस चैप्टर में उन्होंने दो चीज रखा था. एक बैलेंस स्कोर कार्ड और इस चैप्टर में उन्होंने स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट को रखा था. और अभी क्या किया बैलेंस स्कोर कार्ड को निकाल के हमने ऊपर पढ़ लिया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मॉडल में. और इसमें रह गया क्या वो आपको लिखा देते हैं. इसमें क्या क्या है. एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम बोल के रह गया. ये ऑपरेटिंग इनकम का स्ट्रेटेजिक एनालिसिस सर आप तो चैप्टर का नाम फिर से लिख दी. बट इसमें एनालिसिस में थ्री हेड्स होते हैं. एक होता है ग्रोथ इफेक्ट, दूसरा होता है प्रोडक्टिविटी इफेक्ट और तीसरा होता है कॉस्ट लीडरशिप इफेक्ट. और इसी को वापस रिवैम्प किया जाता है, तोड़ मोड़ किया जाता है. तो ग्रोथ इफेक्ट का दो पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट साइज इफेक्ट एंड मार्केट शेयर इफेक्ट. शेयर और प्रोडक्टिविटी को जब मिला देते हो तो इसका नाम हो जाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इफेक्ट. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इफेक्ट. तो प्रेजेंटेशन फिर कैसे हो जाएगा सोचो. मार्केट साइज ए नंबर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बी नंबर एंड कॉस्ट लीडरशिप सी नंबर हो जाएगा. ये क्लास में कराया हुआ आपको अगर याद हो हमने अपने क्लास में इसको बैलेंस स्कोर कार्ड चैप्टर के साथ किया था. उस समय हमारे मैट में चैप्टर का नाम है बीएससी एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस. तो ये किया हुआ इसलिए मुझे कुछ कराना नहीं है ऑफ एस जैसी मैट. ये पहले भी था. आप लोग कभी भी हो ये पढ़े ही होंगे तो इसमें कोई टेंशन नहीं है. और बहुत पुराने स्टूडेंट्स भी मेरे साथ बैलेंस स्कोर कार्ड चैप्टर में इसके सम्स किए ही. नंबर टू इस चैप्टर में एबीसी चैप्टर का भी इन्फ्लुएंस है. एबीसी चैप्टर में हम लोग दो कॉन्सेप्ट पढ़ते थे. एक का नाम था डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी
डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, याद है इसके सम्स किए थे, और दूसरा था कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। इसके बारे में तो हमने हमारे सप्लाई चेन में भी पढ़ा था, है ना, जिसमें ज्यादा फायदा होता है उस पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो, याद आ रहा है, क्रेडिट कार्ड का एग्जाम्पल दिया था, वो सब वापस यहाँ पे है। तो वी हैव डन दिस इन एबीसी चैप्टर, इन एबीसी चैप्टर। तो अभी हमने अपना जो नया मैट भी बनाया है आने वाले बैच के लिए, वो इसी डेकोरम में बना दिया, सो दैट इट विल अवॉइड सेवरल कंफ्यूजन्स। ठीक है, एबीसी चैप्टर में अभी पुराने मैट में था क्योंकि पुराना मॉड्यूल वैसे ही बोलता था, और अब नया मॉड्यूल ऐसा बोल रहा है कि उससे निकाल के इधर डाल दो, तो हमने भी डाल दिया, तो एबीसी चैप्टर थोड़ा कम हो गया यहाँ पे आके और बढ़ गया। तो ये चैप्टर हो गया दोस्तों, इसमें अब मुझे कुछ नहीं सिखाना, इसके सम्स सारे आपके किए हुए, सेम सम्स क्लास के किए हुए, ये चैप्टर भी खत्म, चैप्टर 10। चैप्टर 10 के बाद चैप्टर 12 है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, 11 एक बार बजट छोड़ते, 12 है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अगेन मोस्ट इजीएस्ट। जो आपको क्लास में कराया वो बहुत ज्यादा कराया है, यहां पे तो सम्स एक भी नहीं दिया है। ठीक है, तो आपको सम्स मिलेंगे इसके, ऐसा मत सोचिए क्योंकि सारा फॉर्मूला सेट्स दिया हुआ है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो क्लास में कराया वो है। अच्छा, एक चीज बताते हैं, हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लास्ट क्लास में पढ़ाते थे अकाउंटिंग फॉर वेरिएंसेस अंडर सिंगल प्लान पार्शियल प्लान, जिसमें जर्नल एंट्रीज वगैरह कराए गए थे, जो जनरली परसी जाता है उसको एक बार आप ऐसे ही सोचोगे छोड़ो बाद में देखेंगे, तो वो अभी मैट में नहीं है। तो जो आपका दुख था दर्द था वो निकाल दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो उसके ऊपर ज्यादा इम्फेसिस नहीं देना है, और हमने नया मैट से हटा दिया है, इन आवर न्यू मैट वो पोर्शन हटा दिया हमने, उसका जर्नल एंट्रीज। और देखिए, पता नहीं पीएम क्या सरप्राइज लेके आएगा, वी डोंट नो, अनटिल नाउ प्रैक्टिस मैनुअल क्या लाएगा हम जानते नहीं है। प्रैक्टिस मैनुअल में अगर कुछ आएगा तो फिर अलग से उसके क्लासेस अलग से होंगे, तो मैं फिर बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए हमें यही मालूम है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सर ने जो पढ़ाया वो अति ही पढ़ाया, कम नहीं पढ़ाया, और उसमें से थोड़ा कट छट के आने वाला है। हाँ, एक दो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के यहाँ पे केस स्टडी ओरिएंटेड, वो आपको करना है। आप देखिए पेज नंबर क्या है बताइए, आप खोजिए क्वेश्चन नंबर, देखिए यहां पे इन लोग शुरू ही कर रहा है एनालिसिस ऑफ एडवांस वेरिएंस में, तो प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस हमने ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर में पढ़ा है, वेरिएंस इन एबीसी हमने एबीसी चैप्टर में पढ़ा है, लर्निंग कर्व इंपैक्ट ऑन वेरिएंस हमने लर्निंग कर्व चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, और रेस्ट के ऊपर एज सच कोई सम्स नहीं है, वो कॉमन सेंस ही है, मतलब रेस्ट के ऊपर कोई एज सच सम्स का टेंशन नहीं है। तो नया मैट भी हमारा जो आ रहा है वो इसी तरह से ही है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। एबीसी का वेरिएंस एबीसी में ही पढ़ेंगे, लर्निंग कर्व का वेरिएंस लर्निंग कर्व चैप्टर में ही पढ़ेंगे, प्लानिंग ऑपरेशनल वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में है, बट खाली प्लानिंग ऑपरेशनल वेरिएंस नहीं है, वेरिएंस में और भी बहुत सारे चीजें हैं जो सब यहाँ पे कवर्ड है, हेडिंग में नहीं आया तो कोई खास बात नहीं है। प्लानिंग ऑपरेशनल वेरिएंस ये क्लास में किया हुआ है, इसका ये सम भी हम लोग सिमिलर सम क्लास में किए हुए हैं, सिमिलर सम इन क्लास हम लोग किए हुए हैं। मुझे एक क्वेश्चन दिखाना था, ये हम लोग एबीसी चैप्टर में किए हुए हैं, ये देखिए क्लास में चैप्टर पेज नंबर है ये 12.5 में, ये एबीसी चैप्टर का सम है हम लोग किए हुए सेम सम। लर्निंग कर्व इंपैक्ट का जो क्वेश्चन है ये आपको खुद से कर लेना है, सिमिलर सम हमने किया, एकदम फिगर तो मैच नहीं होता हमारा, बट सिमिलर सम ऐसा हमने लर्निंग कर्व चैप्टर में किया हुआ है, लर्निंग कर्व चैप्टर, तो आपको ये सम करने से ही आइडिया आ जाएगा।
अब लर्निंग कर्व का रिवीजन करना पड़ेगा ना, इसके लिए तो भी लर्निंग कर्व में घुसना नहीं चाहते, प्रैक्टिकल चैप्टर पढ़ाना नहीं चाहते आपको। रेलिवेंट कॉस्ट अप्रोच आप देखिए, सब थ्योरी है, विच इज जस्ट सेइंग दैट वेरियंस एनालिसिस में जब आप स्टैंडर्ड कॉस्ट लेते हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट लेते हो तो उसके अंदर यू मे इंक्लूड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सिमिलरली इन एक्चुअल कॉस्ट ऑल्सो यू मे इंक्लूड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दिस इज ओनली द फंडा, अभी इसके सम्स हमारे पास नहीं है, हम लोग जबरदस्ती क्रिएट नहीं करेंगे ये, क्योंकि ये हेडिंग जो है ना ये बहुत सालों से आपके सिलेबस में है, ये नया हेडिंग नहीं है, इट इज नॉट अ न्यू हेडिंग, इसके कोई सम्स आज तक हमने देखे नहीं है। ठीक, आपके लिए अगर कोई प्रैक्टिस मैनुअल से आएगा तो अलग से होगा, बट फंडा यही है कि रेलिवेंट कॉस्ट अप्रोच में योर कॉस्ट शुड इंक्लूड, यहां पे लिखा हुआ, इट इज नेसेसरी टू कंसीडर द लॉस कंट्रीब्यूशन इन वेरिएंस एनालिसिस। फिर वेरिएंस एनालिसिस एंड थ्रूपुट अकाउंटिंग, थ्रूपुट अकाउंटिंग में इफ यू रिमेंबर थ्रूपुट कॉन्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट होता था, थ्रूपुट कॉन्ट्रीब्यूशन इज सेल्स माइनस मटीरियल, तो उस माहौल में जाके स्टैंडर्ड वैसे ही होंगे और एक्चुअल वैसे ही होंगे, तो अपना वेरिएंस एनालिसिस उसी तरह से हो जाएगा। ये सब केस स्टडीज में हेल्प करेंगे आपको। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरमेंट में मैक्सिमम कॉस्ट कमिटेड फिक्स कॉस्ट मिलेंगे, लेबर कॉस्ट भी आपका फिक्स कॉस्ट ही मिलेगा। द रिजल्ट इज लेस डायरेक्ट लेबर एंड मोर ओवरहेड, इसलिए उनके यहां लेबर वेरियंसेस आर नॉट मीनिंगफुल, बस यही थ्योरी है, उनके यहां लेबर वेरियंसेस मे नॉट बी मीनिंगफुल। देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर का आपको मालूम ही है कि समस्या ये है कि बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, तो स्टैंडर्ड सेट करना ही डिफिकल्ट हो जाता है, उसी के बारे में यहां पे बोलेगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस इज मोर टफ टू अप्लाई, एंड यूजुअली यहां पे सिर्फ ओवरहेड वेरिएंस ही आप सोच सकते हो, ओनली ओवरहेड वेरिएंस इज रेलेवेंट, मटेरियल बोल के तो कुछ होता नहीं यहां पे, सब ओवरहेड ही होते हैं, क्या आर रेलिवेंट। ठीक है, मैकडोनल्डाइजेशन पे हमने क्लास में पढ़ा था कि कैसे आप मैक्सिमम क्वांटिटी अचीव कर सकते हो बाय फोकसिंग ऑन क्वांटिटी, एफिशिएंसी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, चार इंपॉर्टेंट पॉइंट होते थे इसके, वो क्लास में कराया हुआ है। इसका कॉन्सेप्ट था एफिशिएंसी लाओ, प्रेडिक्टेबिलिटी लाओ, स्टैंडर्डाइजेशन लाओ, एंड चौथा था क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए देन क्वालिटी, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। क्लास में किया हुआ है तो भी उतना इलैबोरेट नहीं करना है। देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन पब्लिक सेक्टर, ये सब में ना क्या होता है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं, केपीआई बेस्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, केपीआई बेस्ड होंगे तो आप एनालिसिस कर पाओगे, वो जो आप बैलेंस स्कोर कार्ड वगैरह में पढ़े, और अगर कॉस्टिंग को लेके सोचोगे तो फंस जाओगे, बट स्टिल यू कैन डू, ऐसा नहीं कि नहीं होता, ऐसा नहीं कि नहीं होता, बट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर मोर यूजफुल हियर।
स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग क्लास में कराते ही हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करके स्टैंडर्ड करना। क्लास में हुआ हुआ है, इसमें कुछ मेरे को सिखाना नहीं है। अच्छा, ये केस स्टडी है सेल्स वेरिएंस को लेकर, एक आएगा अभी यहाँ पे। रिकॉन्सिलेशन क्लास में हुआ हुआ है, फॉर्मेट वॉर्मेट दिया हुआ है, सब मुझे कुछ नहीं कराना। ये वाला इलस्ट्रेशन मैं बोल रहा था। ये रिकॉन्सिलेशन का सम है जो आप कर सकते हो, क्लास में किया हुआ है सिमिलर सम, सिमिलर सम रिकॉन्सिलेशन का। ये सब प्रैक्टिस करके रख दीजिएगा जल्दी से जल्दी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस पहले सिलेबस में नहीं था, बट मैंने क्लास में कराया है, हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारा मॉडल दिया हुआ है, ये इतना मॉडल थ्योरी के लिए काम का है, ये थ्योरी के लिए काम का है। इज ऑल फॉर थ्योरिटिकल पर्पस कि कैसे कैसे इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस इज अबाउट वेदर वी शुड इंप्लीमेंट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और नॉट। द टॉपिक इज अबाउट वेदर वी शुड इंप्लीमेंट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और नॉट। इसका एक सम अपने क्लास में किए हुए हैं, प्रोबेबिलिटी वगैरह निकाल के करने का। ये वाला एक इंटरप्रिटेशन आपको जरूर पढ़ना चाहिए, हेल्पफुल इन केस स्टडी, मस्ट रीड, कि हर वेरिएंस का एक दूसरे से कनेक्शन है, हेल्पफुल फॉर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। कि अगर मटेरियल प्राइस वेरिएंस पॉजिटिव आ रहा है, मतलब आप क्वालिटी पे कम मेहनत कर रहे हैं, सेल्स वेरिएंस एडवर्स हो जाएगा। समझे हम क्या बोला? मटेरियल प्राइस वेरिएंस पॉजिटिव आ रहा है, मतलब फेवरेबल आ रहा है, तो आप सस्ता चीज खरीद रहे हो, क्वालिटी खराब होगा, सेल्स वेरिएंस एडवर्स हो सकता है। ऐसा इंटरलिंकेज यहां पे बताया जा रहा है। वैसे ही प्राइस फेवरेबल होता है ना, यूसेज एडवर्स हो सकता है। बोलो क्यों? सस्ता खरीदोगे वेस्टेज ज्यादा होगा। तो ये इंटरलिंक इज वेरी यूजफुल टू एक्सप्लेन द केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस। एंड सिमिलरली इंटरप्रिटेशन इज यूजफुल। हम लोग क्लास में हर वेरियंस में डिस्कस करते ही थे कि इसका क्या कारण है, रीजन्स क्या है, कंट्रोल कैसे करें नहीं करें, और इसका थोड़ा इलाबोरेटेड फ्रेमवर्क है ना, तो इट विल हेल्प यू टू राइट केस स्टडी। ये देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी है जो आप आराम से कर सकेंगे। मेरा इसमें कोई खास कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं चाहिए आपको। Once you know the entire standard costing, if you revise it, you will read and understand. That's it's so simple. Important case study related to interpretation. इसमें variance calculation से ज्यादा interpretation पे ज्यादा focus है। इस company का तीन product है जिसमें इन लोग budget का sales और cost structure दे रहे हैं, फिर actual का sales और cost structure दे रहे हैं, और फिर क्वेश्चन बोलता है आपको सेल्स मिक्स और सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरप्रिटेशन लगाना है। अब ये आपको सेल्स मिक्स क्वांटिटी आता होगा तो आप समझोगे अभी, इसलिए मैं एंट्री नहीं करना चाहता, इसमें समय बहुत चला जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर आता है रिविजन किया तो सेल्स मिक्स और सेल्स क्वांटिटी वेरियंस इज एन ईजी थिंग टू डू फॉर यू इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब दो तरह से होता था, एक सेल्स रेवेन्यू बेस्ड होता था, एक मार्जिन बेस्ड होता था। इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब आपको मार्जिन बेस्ड कैलकुलेशन करने और कैलकुलेशन करके फिर इंटरप्रेट करना है कि वो फेवरेबल है। तो एक जनरली क्या होता है ना, एक वेरियंस अगर मेन का दो हेड होता है तो एक फेवरेबल होता है तो उसका इम्पैक्ट दूसरा पे फेवरेबल भी हो सकता है, एडवर्स भी हो सकता है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। वो कैलकुलेशन करके वो लोग कमेंट करें, वो बहुत इजी है। और ये नेचुरल स्पाइसेस का केस स्टडी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर से जुड़ा हुआ है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर से। ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी और बहुत इजी है, जिसमें बोल रहा है कि कंपनी का अपना एक स्ट्रेटजी है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज में, वो क्वालिटी से लोगों को का मन जीत सकता है। अब क्वालिटी से लोगों का मन जीतना है तो आपको एमपीवी एडवर्स रखना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे परचेज प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है, मतलब आपको
आपने सस्ता खरीदा तो क्वालिटी जो आपका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है उस पे सवाल उठ जाएंगे। और बहुत सिंपली इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये पहले से था, मतलब नया नहीं है, ये सब पहले से था आपका पीएम में, ये सब पहले से था पीएम का सम्स है ये सारा। नया कुछ भी उठा के नहीं डाला गया, थ्योरी थोड़ा नया डाला गया, प्रैक्टिकली सब कुछ था। बिहेवियरल इश्यूज ये तो हर जगह ही आप पढ़ रहे हैं कि वेरिएंस एनालिसिस अगर आप अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करते हो तो व्हाट कैन बी द बिहेवियरल इश्यूज, रिलक्टेंसी। बिहेवियरल इश्यूज मतलब एम्प्लॉय का रिएक्शन वगैरह के बारे में आपको बताना है कि क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। एम्प्लॉय लोग का सब ऑप्टिमल बिहेवियर हो सकता है। अब ये बिहेवियरल इश्यूज आप है ना रेफर करेंगे इसको पढ़ने के लिए ज्यादा अच्छे से, बजट चैप्टर उसमें बहुत अच्छे से बताया गया, उसके ऊपर हम लोग सारा काम कर लेंगे। बिहेवियरल इश्यूज के कॉमन तरीका से आप यहाँ पे पढ़ लेना, और यहाँ पे भी जो रेफरेंसेस लिए गए ना, ये बजट स्लैक्स वगैरह, ये बजट चैप्टर से कनेक्टेड है जो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक, ये एथिकल इश्यूज जो है यहाँ पे, इसके बारे में हम लोग रेलेवेंट कॉस्टिंग में पढ़ते हैं, तो वो आपको वहां पे एक सम भी कराया गया था हॉस्पिटल का लेके, जहां पे आपको बताया गया था कि रीएडमिशन करा के फेवरेबल प्रॉफिट ला रहे, तो वही एथिकल इश्यूज है। यहां पे लिमिटेशन बता रहा है, देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लिमिटेशन वो आप पढ़ सकेंगे, एकदम इजी है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कई बार आउटडेटेड हो जाते हैं, वही टनल विजन वो सब ज्ञान जो जो नहीं मिला था, मायोपिक हो जाएंगे आप, उसी का ही रिफाइंड वर्ड्स यहाँ पे है। आप शॉर्ट टर्म फोकस्ड हो जाते हैं, आप स्टैंडर्ड को डायनामिक एनवायरमेंट में रिवाइज नहीं करते हैं, और आपको पूरा डिटेल से नहीं मिला तो आप कई बार होगा कि मिस इंटरप्रेट, मिस रिप्रेजेंट कर लोगे, बहुत सारा इश्यूज है। इंटरलिंक के साथ नहीं पढ़ोगे तो एक के जगह फेवरेबल आ रहा है आप उसको रिवॉर्ड कर रहे हो, दूसरी जगह नुकसान हो रहा है तो आप उसको झाड़ रहे हो, तो सारे वेरिएंस इंटरलिंक करके पढ़ने पड़ते हैं, ये यहाँ पे बता रहा है। तो फॉर्मूला चार्ट्स वगैरह दिए हुए, देखिए इसका इंडिकेशन है कि सारे सम्स आएंगे। फॉर्मूला चार्ट दे दिया मतलब आप कहीं पे भी बचाव अपना नहीं कर पा रहे, पूरा फॉर्मूला चार्ट बना के दिए। आप बोल रहे थे मटेरियल का सम्स नहीं है, तो मटेरियल का फॉर्मूला चार्ट है मतलब वो आपको आना चाहिए, सब कुछ है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ओवर, खाली थ्योरी थ्योरी भर दिया, प्रैक्टिकल नहीं भरा, बट प्रैक्टिकल के लिए आप तैयार रहिए, और जो दो एक दो केस स्टडीज जैसा था इंटरप्रिटेशन बेस्ड उसके लिए भी तैयारी है, और वो सब इंटरप्रिटेशन बेस्ड पहले से थे, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, कोई नया नहीं। तो बेसिकली दिस चैप्टर इज टोटली कॉपी पेस्ट विथ सम एड ऑन ऑफ थ्योरी लाइक इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस। ठीक है, चलिए आइए, नाउ वेलकम टू चैप्टर 11। देखना कैसे ऊपर चढ़ा जाता है स्पाइडरमैन की तरह, खड़ा खड़ा स्पाइडरमैन आ गया। बजट चैप्टर, आइए बजट चैप्टर, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम फर्दर। बजट चैप्टर का यहां पे जो लुक दिया हुआ है, जिस तरह से यहां पे बता रहा है, इट इज टोटली ऑफ बीट, टोटली ऑफ बीट, मतलब जैसे अपने बजट चैप्टर अभी तक पढ़ते आए थे, और जो यहां पे दे रहा है इट्स टोटली ऑफ बीट। बट डू नेवर फॉरगेट कि पुराना बजट सिलेबस में नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा। मैंने बजट चैप्टर कराया, उसमें फ्लेक्सिबल बजट, फंक्शनल बजट, फिक्स बजट बनवाया, वो सब है ही, वो किस तरह से पूछेगा दैट वी डोंट नो, वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट जैसा हो गया। वो इंटर में भी था, जब बजट चैप्टर करा रहे थे तो हर बार यही तो बोल रहे थे, इंटर में भी यही किया, इंटर में भी यही किया, कई सारे सम्स तो इंटर के मैट से ही कॉपी पेस्ट थे, तो वो सब बाय डिफॉल्ट आपको आना ही चाहिए। हमने भी इस बार अपने नए मैट में भी बजट चैप्टर के सम्स को थोड़ा सा कम किया, कि उसके ऊपर जो इंटर का सम्स था उस पर इम्फेसिस कम दें,
फाइनल का जो नया चीज है उस पे ज्यादा ध्यान दे। तो इंटर का एज इट इज आपको रखना है, ऑल ऑफ इंटरमीडिएट तो है ही बजट चैप्टर में, ऑल ऑफ इंटरमीडिएट सिलेबस है ही, ये मतलब अंडरलाइंग आप ऐसा समझ लीजिए। प्लस न्यू जो है वो केस स्टडीज ओरिएंटेड क्वेश्चन है एंड इट इज मोर फोकस्ड ऑन नॉट बजट बट फोकस्ड ऑन बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल, इंटरमीडिएट सिलेबस वॉज फोकस्ड ऑन बजट्स, उसका फोकस था बजट बनाना सिखाना, और ये न्यू केस स्टडी जो है इसका फोकस है बजटरी कंट्रोल करना। तुम लोग पहले बजटरी कंट्रोल पे इतना इम्फेसिस नहीं दिए थे, अभी इम्फेसिस ज्यादा कर दिए। पहले हम लोग बजट पे इम्फेसिस देते थे, अब बजटरी कंट्रोल पे इम्फेसिस देना है। बजटरी कंट्रोल इज बेसिकली एक्सरसाइजिंग कंट्रोल इन योर ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ बजट्स। तो बजटरी कंट्रोल का ये जो चार्ट बनाया है दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग कि व्हाट यू हैव टू स्टडी इन द चैप्टर। से फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू स्टडी इज बजटरी कंट्रोल एंड इट्स प्रीरिक्विजिट्स। दिस इज योर नंबर वन दैट यू विल स्टडी। सेकेंड यू विल रीड बजटरी कंट्रोल स्कीम्स। थर्ड इज बिहेवियरल एस्पेक्ट जो आ रहा था ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लास्ट में, ऑल्सो इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर बिहेवियरल एस्पेक्ट्स। एंड देयर इज न्यू कॉन्सेप्ट बियॉन्ड बजटिंग। बियॉन्ड बजटिंग, ठीक है, आइए। बजटरी कंट्रोल इज बेसिकली एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू बजट्स। एंड हाउ डू वी डू दैट? इट इज बेसिकली सेटिंग द बजटेड परफॉर्मेंस लेवल, देन मेजरिंग द एक्चुअल्स, देन कंपेयरिंग दैट टू फाइंड आउट द वेरियंस, देन एनालाइजिंग एंड रेक्टिफाइंग। ये सिंपल बजटरी कंट्रोल का मैकेनिज्म है जिसके बारे में अलग अलग डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं समरी बोलूं तो ये मैं क्लास में भी बताता हूं, वापस बोल दूं कि यहां पे स्टेप्स होते हैं कि डेफिनेशन का कीवर्ड्स होता है, कीवर्ड्स होता है कि आपके पास एक बजट परफॉर्मेंस होना चाहिए, बजट परफॉर्मेंस होना चाहिए, आपके पास एक्चुअल परफॉर्मेंस होना चाहिए, आपका वेरिएशन आना चाहिए, वेरियंस कैलकुलेशन, फोर्थ आपको एनालिसिस करके रेक्टिफिकेशन करना है, फोर्थ इज एनालिसिस एंड रेक्टिफिकेशन। ठीक है, देन प्री रिक्विजिट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल आपके यहां कब आएगा? देखिए ध्यान दीजिए, पहला प्री रिक्विजिट है एटीट्यूड, सीरियस एटीट्यूड। मतलब एटीट्यूड मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि आपको विश्वास होना चाहिए सिस्टम के ऊपर कि आपको हेल्प करेगा। देन क्लैरिटी, क्लियर, ये सब आप देखेंगे ना रिपीट है। क्लैरिटी पहले से भी बात हुआ था, क्लियर डिमार्केशन बिटवीन एरियाज ऑफ मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, KRA आपको याद है, KRAs बोलते थे, हाँ वो क्लियर होना चाहिए तभी आप उसको बजट दे पाओगे ना, नहीं तो वो समझेगा नहीं मेरे को क्या करना है, किसी और को क्या करना है। देन रीजनेबल बजट टारगेट्स, एक बड़ा प्रॉब्लम है वो बिहेवियरल इशू में आएगा कि हम लोग कई बार बजट टारगेट जानबूझ के ज्यादा पे दे देते, तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट कर देता है एग्जीक्यूट करने वालों पे। तो रीजनेबल रखने से, जैसे वो स्मार्ट याद है SMART, वैसा रखने से इट इज एक्चुअली अ मोटिवेटिंग थिंग, अदरवाइज ये डिमोटिवेट कर देता है अपने टीम मेंबर्स को। फिर वही डेटा कलेक्शन प्रॉपरली होना चाहिए, रिपोर्ट्स बनने चाहिए,
रिपोर्ट्स एम्ड एट इंडिविजुअल मैनेजर्स रेदर देन जनरल मैनेजर्स. मैनेजर वाइज रिपोर्ट्स होने चाहिए, मैनेजर वाइज रिपोर्ट्स. देखो सिस्टम क्या है ना, खाली सर्कल करने से मजा नहीं आता, आप अपना हाथ से लिख दो. रीजनेबल होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए. कीवर्ड लिख दो तो क्या और रिटेंशन हाई होता है. एटीट्यूड होना चाहिए, डेटा कलेक्शन एंड मतलब टेक्निक स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए. डेटा कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम. बड़ी बड़ी कंपनियों का क्या होता है पता है, मैनुअल होता है, बजट मैनुअल बोलते हैं उसको. बजट मैनुअल में लिखा रहता है कहां से डेटा लाना है, कैसा फॉर्मेट में बजट बनाना है, किस फॉर्मेट में एक्चुअल देना है, किस तरह से रिपोर्ट दिखाना है. बजट का एक फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट होता है बड़ी बड़ी कंपनियों में. तो वही बोल रहा है, वो सिस्टम होना चाहिए. फिर एक और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बजट जनरली बोल रहे शॉर्ट पीरियड में रिव्यू होना चाहिए. शॉर्ट पीरियड और उस ऑब्वियसली उसमें वेरिएंस भी आएगा और करेक्टिव एक्शन आपको लेते रहने हैं, वरना कंट्रोल का कोई मकसद पूरा नहीं होगा. ठीक है, आगे बढ़े. देन बजटरी कंट्रोल स्कीम में दो तरह का कंट्रोल आता है, एक फीडबैक सिस्टम है, एक फीड फॉरवर्ड सिस्टम है. फीडबैक तो आपको पता ही है, काम हो जाने के बाद रिस्पॉन्स लीजिए. जैसे आज आप लोग का फीडबैक डे है, बट कल एक नया बैच आ रहा है उनके लिए फीड फॉरवर्ड डे है. तो वी आर गोइंग टू डू व्हाट विद देम इन द फर्स्ट डे. वी आर गोइंग टू टेक देयर फीड फॉरवर्ड, दैट व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग व्हेन यू हैव जॉइंड द कोर्स, सो दैट वी आर एबल टू फुलफिल योर एक्सपेक्टेशन. फीडबैक इज अब हमने कर दिया, अब आप बोल दोगे तो रेक्टिफिकेशन तो अगली बार ही होगा ना. इस बार तो जो होना था हो गया, वही बोलते हैं ना, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. फीडबैक इज लाइक दैट, गलती करने के बाद अब रिपोर्ट मिला, ठीक है अब अगली बार सुधार होगा. फीड फॉरवर्ड इज पहले से आपको मालूम है कि चिड़िया खेत चुग के जा सकती है, तो तैयारियां रखिए. ठीक है, तो फीडबैक फीड फॉरवर्ड वैसा ही है. इसमें डायग्राम जो है वो बहुत खतरनाक है. फीडबैक आपको ये समझना है कि ये रिएक्टिव प्रोसेस है, इट इज अ रिएक्टिव प्रोसेस. फीडबैक का मजा तब है, जैसे फीडबैक का यूटिलिटी तब है जब आपको ऐसा लगता है कि एरर हो सकता है, बट देन यू आर सो श्योर कि एरर है ही नहीं, तो फीडबैक का कोई यूटिलिटी नहीं. व्हेन यू एक्सेप्ट दैट देयर कैन बी सम एरर्स, देन फीडबैक का यूटिलिटी है. फीडबैक तभी लेना है जब आपको लगता है कि देयर कैन बी सम एरर्स. और अगर आपको लगता है कि यू हैड बीन 100% परफेक्ट, देयर इज नो यूटिलिटी ऑफ फीडबैक. एंड टू एरर इज टू ह्यूमन, सुनिए ना, इंसान है तो गलती तो करेगा ही कहीं ना कहीं. तो ह्यूमन जॉब्स में जनरली फीडबैक ज्यादा फ्रूटफुल होता है. वही मैकेनिकल जॉब होगा तो फीडबैक का कोई जरूरत नहीं. जैसे कंप्यूटर रोबोट आके पढ़ा रहा है तो फीडबैक का कोई जरूरत नहीं. या रोबोट कोई काम कर रहा है या कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोई काम कर रहा है तो फीडबैक क्या देना है सॉफ्टवेयर को, तो जैसा प्रोग्राम के वैसा चल रहा है. करेक्ट, ह्यूमन एक्टिविटी के लिए फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है. तो हम लोग बोलते हैं देयर हैज टू बी एन एरर इफ यू वांट टू टेक करेक्टिव एक्शंस. मतलब एरर नहीं है तो फीडबैक का कोई अस्तित्व ही नहीं है. एरर शुड एग्जिस्ट. देन ओनली फीडबैक सिस्टम मेक सेंस. देखो फीडबैक सिस्टम इज एक्सपेंसिव ऑल्सो, क्योंकि आज फीडबैक लेना, उसको प्रोसेस, उसको रीड करना, उसको प्रोसेस करना, उसको एनालाइज करना, उसके लिए फिर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन सोचना और इम्प्लीमेंट करना, तो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव प्रोसेस. तो उसका बेनिफिट तो तभी आएगा ना जब कोई एरर था. करेक्ट, ओनली एरर शुड एग्जिस्ट, देन ओनली फीडबैक मेक सेंस. टाइप्स ऑफ फीडबैक होता है, देखो टाइप्स ऑफ फीडबैक, चार तरह का फीडबैक होता है. प्राइमरी,
सेकेंडरी नेगेटिव पॉजिटिव. नेगेटिव पॉजिटिव तो समझ में आता ही आपको. नेगेटिव फीडबैक मतलब नहीं, नॉट सेटिस्फाइड नहीं बोलेंगे, एडवर्स वेरियंसेस है. आप देखिए कस्टमर ओरिएंटेड सोच रहे तो नॉट सेटिस्फाइड, कस्टमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, बट इंटरनल प्रोसेस रिलेटेड सोचिए, मतलब एडवर्स वेरियंसेस आ रहे हैं, आपका बजट जो था उससे ज्यादा एक्चुअल में कॉस्ट वॉस इनकर हो रहा है, इन इफिशियंसीज है, इन अंडर प्रोडक्टिविटी है, अंडर यूटिलाइजेशन चल रहे, तो नेगेटिव फीडबैक है. नेगेटिव फीडबैक डिमांड्स करेक्शन, डिमांड्स करेक्शन, जितना जल्दी हो सके करेक्शन करो. बट होता क्या ना, हम लोग फीडबैक पढ़ के मायूस हो जाते हैं, इतना किया फिर भी देखो, बट ऐसे नहीं होता है. सिस्टम बोलता है कि आपको नेगेटिव को अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए कि नाउ यू हैव समथिंग टू डू. एंड अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो हवा में मत उड़ो, पॉजिटिव है तो हवा में मत उड़ो, तो क्या करो, सस्टेन करो. सस्टेन करो का मतलब होता है रीइंफोर्स करो, रीइंफोर्स करो, सस्टेन करो, वापस उसको अचीव करो. करेक्ट. तो नेगेटिव पॉजिटिव इज समथिंग दैट वी ऑल अंडरस्टैंड. नाउ प्राइमरी सेकेंडरी नहीं समझ में आता है. प्राइमरी सेकेंडरी, अच्छा एक चीज बताओ, फीडबैक ऊपर से नीचे आएगा कि नीचे से ऊपर आएगा? ऊपर से नीचे कैसे जाएगा, नीचे से ऊपर आएगा. अरे एक्शन तो ऊपर लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की सोचिए, लोअर लेवल से ऊपर लेवल जाता है, तो लोअर लेवल में फीडबैक कलेक्ट होता है, मतलब ग्राउंड लेवल पे, कि हम लोग अल्टीमेटली ग्राउंड पे ही सारा एक्टिविटीज करते हैं, ग्राउंड पे रिजल्ट्स शेयर करते हैं. तो फीडबैक इज ऑलवेज कलेक्टेड एट लोअर लेवल्स. देन इफ इट इज वेरी ट्रिवियल, इट इफ द वेरियंसेस आर वेरी ट्रिवियल विच कैन बी रेक्टिफाइड देन एंड देयर, और इट माइट हैव बीन रेक्टिफाइड बिफोर टेकिंग द फीडबैक. कई बार होता है ना कि सिस्टम में एरर हुआ था, हमें पता था कि वेन वी विल टेक फीडबैक दे विल हाईलाइट दैट, एंड बिफोर टेकिंग फीडबैक दैट हैज बीन रेक्टिफाइड. ऐसा होता है बहुत बार, तो वेरियंस उस समय मैटर नहीं करता. तो ऐसा वेरियंस को ऊपर लेवल में रिपोर्ट करने का जरूरत नहीं है, टॉप मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है. तो ऐसा वेरियंस जब आ रहा है जो ट्रिवियल है तो उस फीडबैक को बोलते हैं प्राइमरी. एंड वहीं अगर कोई सिग्निफिकेंट चीज आ रहा है, रिपोर्ट हो रहा है, तो ऊपर लेवल में कम्युनिकेट करने का जरूरत है, जिससे कि वो बजट को रिवाइज करे या फिर एक्चुअल पे सीरियस मेजर्स ले. तो वो सेकेंडरी है. देखिए प्राइमरी सेकेंडरी कैसे है, इट इज फॉर, इफ द, पढ़िए ना यहाँ पे, इफ द वेरियंसेज आर स्मॉल, स्मॉल वेरियंसेज corrected easily, not reported to higher levels. Secondary feedback is significant variances to be रिपोर्टेड और फिर मे रिक्वायर बजट रिव्यू. मे रिक्वायर अ बजट रिव्यू, मे रिक्वायर अ बजट रिव्यू. ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज योर कंट्रोल रिपोर्ट्स. लाइक इट इज अ फीडबैक डिवाइस एंड इसमें क्या होता है कि आप एक कंट्रोल रिपोर्ट बना रहे हैं, शोइंग variances or actions. मतलब control report is basically showing what was budget, what was actual, what is the variance and what is the reason, remarks and what is the action that has to be taken. ठीक है.
नाउ फीडबैक मैनेजमेंट कंट्रोल रिपोर्ट में बोलते हैं फाइव गाइडलाइंस हैं, जिसमें ये चीज रिपोर्ट में आनी चाहिए, जिससे कि फीडबैक रिपोर्ट ऊपर लेवल पे समझ में आएगा। जैसे पहला पॉइंट है क्या किया एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज था, मतलब समझ गया मैं क्या बोला इंग्लिश में। बजट एक्चुअल क्या किया इज एक्चुअल, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज था बजट, इट शुड शो बोथ। गाइडलाइंस में बोल रहे दोनों दिखाना चाहिए। रिपोर्ट शुड बी इंस्टेंट प्रॉम्प्ट, मतलब फीडबैक लेने के बाद तुरंत आपको रिपोर्ट बना देना चाहिए आफ्टर फीडबैक। आप फीडबैक कलेक्ट करके रिपोर्ट बनाने में डिले कर देंगे तो एक्शन कब लेंगे? फीडबैक रिपोर्ट पुराने से ट्रेंड भी बताएगा, ट्रेंड एनालिसिस शो करेगा एंड रिलेशनशिप्स, क्या ऐसा पिछली बार था तो कितना था। ये बड़ी बड़ी कंपनियों में रेगुलर आपको ये बता देते हैं फीडबैक सिस्टम, मतलब ऐसा नहीं कि कस्टमर फीडबैक ही हो रहा है, आप ये गलत फहमी में मत रहिएगा। जैसे आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी फॉलो किया, आपने स्टैंडर्ड्स बनाए, एक्चुअल फॉलो किया, वेरिएंसेस आया, आप वेरिएंसेस का रिपोर्ट बना के ऊपर में सबमिट तो करोगे, तो रिपोर्ट में खासियत क्या क्या होनी चाहिए? उस रिपोर्ट में स्टैंडर्ड एक्चुअल सब बताया हुआ होना चाहिए, मैनेजर वाइज KRA लिखा हुआ होना चाहिए, फिर उसमें यह भी बताया जाएगा ट्रेंड एनालिसिस में कि ऐसा वेरिएंस पिछले महीने कितना था, पिछले साल कितना था, पिछले क्वार्टर कितना था, ट्रेंड दिखाएगा उसका, हो सके तो ग्राफ दिखाएगा, चार्ट दिखाएगा, एंड फिर बताएगा कि इंटर रिलेशनशिप क्या, ये देखिए ये फेवरेबल आया इसलिए शायद ये एडवर्स आया होगा, ऐसा सब रिमार्क्स उसमें लिखा होना चाहिए, सो दैट एक्शंस कैन बी इंस्टेंटली प्लान्ड। फीडबैक रिपोर्ट शुड डिस्क्लोज वेरिएंसेस, ये तो ऑब्वियस ही था। फीडबैक रिपोर्ट शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, वरना लोग कंफ्यूज कर देंगे आपको। गवर्नमेंट को जो ऑडिट रिपोर्ट हम लोग फाइल करते हैं ना, जैसे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, वो एक तरह का फीडबैक रिपोर्ट ही तो है, नहीं मानते हो? टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इज अ काइंड ऑफ फीडबैक रिपोर्ट। हो गया सारा तो आप रिपोर्ट कर रहे हो क्या क्या हुआ, ऊपर जा रहा है, देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। कारो इज व्हाट, कारो का भी ऑर्डर जाता है ना, व्हाट इज इट? फीडबैक, इट इज अ फीडबैक, नॉट नेसेसरीली फीडबैक्स आर टू बी कनेक्टेड विद कस्टमर्स। ओके, देन देयर इज सिक्स अप्रोचेस। ये थोड़ा मुझे अजीब लगा पढ़ के, एकदम एक्सप्लेनेशन नहीं दिया इसका, तो थोड़ा सा इसको गेस वर्क से संभालना पड़ेगा। इंडिकेटर होना चाहिए, बोथ लीडिंग एंड अर्ली वार्निंग। आप ऐसा सोचिए ना, जैसे मेडिकल डायग्नोसिस का रिपोर्ट आता है ना, मलेरिया टेस्ट कराए, वो भी एक फीडबैक रिपोर्ट ही तो है, तो आप उससे कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसका रिपोर्ट में कमेंट खाली ऐसे थोड़ी रहता है, मलेरिया डिटेक्टेड ओवर एंड आउट, ऐसा नहीं लिखते हैं वो लोग, एक सजेस्ट भी करते हैं डिटेक्टेड के बाद, मतलब आप अच्छा जगह डायग्नोसिस कराते हो ना तो कमेंट्स आते हैं और अच्छे, बट अदरवाइज कोई टेम्पररी जगह कराइए, बस डिटेक्टेड दो लाइन में रिपोर्ट खत्म, इतना काउंट है खत्म, बट जनरली कमेंट सेक्शन होता है जो वहां का डॉक्टर कमेंट करता है इसके ऊपर क्या एक्शंस लेने चाहिए, दिस इज सजेस्टेड, दिस इज रिकमेंडेड, फर्दर डायग्नोसिस इज रिकमेंडेड, वहां लिखा हुआ रहता है। तो यही बोलते हैं, इसलिए कई बार डॉक्टर बोलते हैं आप हर कहीं सस्ता मंदा जगह जाके डायग्नोसिस कराते हो, उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पता नहीं चलता प्रॉपरली कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। तो इंडिकेटर होना चाहिए, फीडबैक रिपोर्ट शुड हैव एन इंडिकेटर ऑल्सो, बोथ लीडिंग एंड अर्ली वार्निंग। लीडिंग मतलब अब आप आगे क्या करो और अभी क्या चीज के लिए सतर्क रहो, अर्ली वार्निंग कि दिस इसका इनिशियल फेज अभी डिटेक्ट हो रहा है। होता है ना, कोई बीमारी का रिपोर्ट आप देखोगे, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। कंटिजेंसी प्लान्स उसमें होने चाहिए, ट्रेंड एनालिसिस होना चाहिए, अडैप्टिव मैकेनिज्म्स होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट सिस्टम डिजाइन होना चाहिए। सिक्स्थ, पॉलिसी डायरेक्टिव्स। पॉलिसी डायरेक्टिव्स मतलब कि आपका ये ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी क्या क्या बोलता है वो सब उसमें डिटेल में बताया हुआ होना चाहिए, पर उस पर्टिकुलर एक्शन के बारे में या फिर ओवरऑल पॉलिसीज के बारे में।
कॉन्ग्रुएंट सिस्टम डिजाइन मतलब, कॉन्ग्रुएंट मतलब जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन गोल को मीट करेगा, लीडिंग टू ऑर्गेनाइजेशन गोल, अब किसी भी तरह से फीडबैक रिपोर्ट को डिस्ट्रक्टिव मत बनाइए, रिपोर्ट ऐसा ही निकालिए जिससे कि जिस मकसद से फीडबैक लिया गया था वो उसको शो करे। एग्जाम्पल इज लाइक मेडिकल डायग्नोसिस रिपोर्ट्स, इससे आपको क्लिक करेगा कि हाँ इन लोग ये सब पॉइंट्स को थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं। इसका लिमिटेशन है फीडबैक सिस्टम का, कि लिमिटेशन में पहला पॉइंट आ रहा है ये एरर डिटेक्शन सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि एरर आया तो ही इसका सेंस है, एरर नहीं आया तो कोई सेंस ही नहीं है। एंड नंबर टू जो मैं बोला था, सेकेंडली देयर में बी टाइम लैग बिटवीन एरर डिटेक्शन कंफर्मेशन एंड रिविजन ड्यूरिंग विच एक्चुअल रिजल्ट में चेंज अगेन। मेनी टाइम्स होता है ना, एरर डिटेक्ट हुआ था तो उसको हमने कन्फर्म किया और रिविजन किया, वो जल्दी भी हो सकता है, वो लेट से भी हो सकता है, तो उसके कारण एक्चुअल रिजल्ट और खराब आ सकता है या और बेहतर भी आ सकता है। तो हाउ यू कैन रिलाई ऑन फीडबैक, देन देयर इज फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। फीड फॉरवर्ड इज अ प्रोएक्टिव मेजर, प्रोएक्टिव मेजर you can say this is preventive control also, preventive control also, before you get to some hints ki this may happen, hints ke upar based hai, predictability forecast ke upar based hai, based on forecast to aap action abhi se plan karke rakh dijiye apna। अब आप ऐसे कस्टमर रिलेटेड हमेशा मत सोचिए, मैं यही बोल रहा हूँ फीडबैक फीड फॉरवर्ड में हमारा दिमाग जो ट्यून्ड अप है वो कस्टमर रिलेटेड ट्यून्ड अप है, आपको अपना सिस्टम इंटरनल सिस्टम रिलेटेड भी सोचना है। अब आपको मशीन कभी कभी फीड फॉरवर्ड करता है कि मैं खराब होने वाला हूं, ऑन नहीं हुआ आज, तीन बार कोशिश किया, धक्का लगाया, गड़गड़ करके आवाज किया, फिर ऑन हुआ, बट अपने क्या सोचते हैं, ऑन हो गया ना, आप चलो खराब होगा तो फीडबैक दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो फीड फॉरवर्ड, उसका इशारा, उसका प्रेडिक्शन को समझिए। कई बार वो इशारा नहीं भी कर रहा है तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड होगा, कुछ मेंटेनेंस मैनेजमेंट का रिकॉर्ड्स होगा, मेंटेनेंस रजिस्टर्स होगा, उसको फॉलो करिए, तो फीड फॉरवर्ड खुद निकालिए। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? यहां पे लिखा है बाय कंपेयरिंग बजट रिजल्ट्स अगेंस्ट अ फोरकास्ट एंड कंट्रोल एक्शन इज ट्रिगर्ड बाई डिफरेंसेज बिटवीन बजटेड एंड फोरकास्टेड रिजल्ट। जैसे देखिए फीडबैक में दो फैक्टर होता है, बजट एक्चुअल वेरियंस। अब इधर तो एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल देखा तो फीडबैक हो गया, तो क्या देखोगे, बजट। इधर वेरियंस इज इक्वल टू बजट वर्सेज फोरकास्टेड एक्चुअल्स, कि एक्चुअल में क्या हो सकता है, समझ में? क्योंकि बजट वर्सेस एक्चुअल इज फीडबैक, बजट वर्सेस फोरकास्टेड एक्चुअल्स इज योर फीड फॉरवर्ड, कि आपको क्या लगता है एक्चुअल में क्या नतीजा दिखाएगा, उसका जो वेरियंस आ रहा है आप उसके हिसाब से उसको एकोमोडेट कर लीजिए, मेजर्स ले लीजिए। ठीक, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है जो बोल रहा है कि जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ अभी अभी, आपको खबर मिल गई न्यूज़पेपर में, चारों तरफ आ गया कि यहाँ पे एक डिस्प्यूट चल रहा है इस इंडस्ट्री में, वर्कर लेबर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो आपने बुद्धिमानी क्या की, एक्स्ट्रा ऑर्डर करके रख लिया, तो आपका इन्वेंटरी लेवल नहीं गिरा, तो ये है फीड फॉरवर्ड। फोरकास्ट किया तुरंत एक्चुअल रिजल्ट क्या हो सकता है, सप्लाई बंद हो जाएगी बिकॉज ऑफ लेबर क्राइसिस, तो इट्स बेटर दैट वी बाय मोर टूडे इट्सेल्फ, सो दैट इज फीड फॉरवर्ड। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल इट इज अगेन वेरी मोनोटोनस। थोरो प्लानिंग एंड एनालिसिस आर रिक्वायर्ड, ये मैं टिक मारूंगा, थोरो प्लानिंग एंड एनालिसिस आर रिक्वायर्ड, केयरफुल डिस्क्रिमिनेशन मस्ट बी अप्लाइड, फीड फॉरवर्ड सिस्टम मस्ट बी केप्ट डायनामिक, अ मॉडल ऑफ कंट्रोल शुड बी डेवलप्ड। इसमें मेरे को कुछ सिखाने का नहीं है,
ना थ्योरी है ना, ये लिखना भी बहुत कष्टदायक है। ये सब आइडियाज के लिए, देखिए ब्रेन का मैच्योरिटी के लिए है, ऐसा कोई क्वेश्चन उम्मीद नहीं करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन को लेके क्वेश्चन पूछेगा, और पूछेगा तो आप लिख पाओगे कैसे लिखना है, ये सारा पॉइंट्स वहां डिस्क्राइब करना है, ऐसा नहीं। कोई भी चीज को इम्प्लीमेंट करने का सिस्टम एक ही है हर जगह, कॉमन वे में सोचेंगे तो ईजी लगेगा कि आपको अपना डेटा ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर रखना है, जितना अडेप्टिव रखोगे डायनामिक रखोगे आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, रिजिड रहोगे तो कोई भी काम होगा नहीं। लिमिटेशन बताया है इशिकावा ने, जापानीज आदमी, कि आप जो फोरकास्ट एक्चुअल रिजल्ट्स लेते हो ना, फोरकास्ट आर वेरी अनसर्टेन, तो फीडबैक फीड फॉरवर्ड का एनवायरमेंट बहुत अनसर्टेन होता है, इसलिए फीड फॉरवर्ड बोलते हैं। अनसर्टेनिटी में आप क्या क्या प्लानिंग कर बैठोगे, पता चला वो यूजफुल ही नहीं हुआ, अनसर्टेन फ्यूचर पे डिपेंडेंट है, ये इसका लिमिटेशन है। एंड नो वेयर अनसर्टेनिटी की पढ़ाई आज तक परफेक्टली हो पाई है। स्टडी ऑफ फ्यूचर इज नॉट वेल डेवलप्ड, नो स्टडी कैन एक्चुअली प्रेडिक्ट फ्यूचर। अब यहां पे एक केस सिनेरियो जो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं कहानी की तरह सुनाता हूं, आप नजर दौड़ाते रहिएगा, कीवर्ड्स खोजते रहिएगा, रियल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन कंपनी क्या कर रहा है, कीवर्ड्स खोजते रहिएगा, मार्किंग करते रहिएगा, मैं हिंदी में कहानी सुना रहा हूं। यहां पे बोल रहा है कि ये कंपनी ने पेट्रोल लुब्रिकेंट्स बनाए, लुब्रिकेंट समझते हैं क्या, पेट्रोल पंप पे मिलते हैं जो नॉर्मली टू व्हीलर्स में इंजन का लुब्रिकेंसी के लिए डाला जाता है, टू व्हीलर्स में लुब्रिकेंट, वैसे हर मशीन में लुब्रिकेंट लगते हैं, तो ये जो बना रहा है वो टू व्हीलर के एंगल से बना रहा है, फॉर मोटर व्हीकल्स टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स एंड हेवी व्हीकल्स सबके लिए बना रहा है, वो ऑटोमोबाइल लुब्रिकेंट है, मोबिल बोलते हैं हम लोग जनरली जब मैकेनिक लोगों से बात करते हैं कि मोबिल मोबिल चेंज कर दीजिएगा। स्कूटर में क्या होता था, बजाज स्कूटर में पेट्रोल का जो टैंक होता है ना, उसी में ही खोल के पेट्रोल डलवाने के बाद लुब्रिकेंट डलवा देते थे, बट मोटरसाइकिल में सेपरेट एक अलग जगह होता है जहां मोबिल लगता है, उसमें पाइप है, वो इंजन ऑटोमेटिकली उसको यूज करते रहता है, मतलब इंजन का मतलब मान लीजिए मोबिल में आके अपने आप को साफ करता है ऐसा बार बार, मतलब अपने आप को वार्म, मतलब बोलते हैं ना अरे हाँ फ्रिक्शन हटाता है, वो ऑटोमेटिक खींचता है, मोबिल का काम है कि जब इंजन दिखता है कि खिच 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 हो रहा है, करारा करने वो मोबिल में आता है, थोड़ा सा खींच के ले जाता है, अब क्लियर है अब चालू हो जाओ, इट्स लाइक दैट, लुब्रिकेंसी का काम यही है। जैसे ठंड में आपका गला बैठा हो तो आप चाय पी के अपना गला को लुब्रिकेंट करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं, चाय का एक्ट्स एज लुब्रिकेशन, सर्दी जुकाम हो जाए तो नमक का पानी एक्ट्स एज लुब्रिकेशन, ठीक है। तो मोटर व्हीकल और टू व्हीलर्स के लिए, हेवी व्हीकल्स के लिए लुब्रिकेंट बना रहा है, ध्यान देना मार्किंग करते रहना, अलग अलग पैकेट्स में उसको पैक करता है, 100 ml से लेकर 200 L ड्रम, बट इसका बेस्ट सेलिंग आइटम है 900 ml का कैंस। उसका प्रोसेस बता रहा है कि बेस ऑयल पेट्रोल या पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जो है वो मिडल ईस्ट से लोग इम्पोर्ट करते हैं, उसमें एडिटिव्स वगैरह मिलाते हैं तो लुब्रिकेंट बन जाता है, उसको बॉयल करके मिलाया जाता है, फिर उसको कूल डाउन किया जाता है और फिर कैंस में पैक किए जाते हैं। अब कैन के लिए भी एल्यूमिनियम बॉटलिंग फैसिलिटी इनका अपना खुद का है, जिसमें अपने आप कैन बन के आएगा और ऑटोमेटिक प्रोसेस से वो रिफिल कर देगा डिजायर्ड क्वांटिटी और पैक कर देगा। मशीन सारा काम करता है, खाली ह्यूमन इंटरवेंशन इतना ही है कि मशीन को प्रोग्राम करने का जरूरत है कि कितना क्वांटिटी ऑफ कैन आपको फिल करना है और उस एक के कैन में कितना क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट डालना चाहते हो। इसके बाद कैन जब फिल हो जाता है तो उसके बाद एक स्टेज आता है बॉटलिंग में कि मशीन ऑटोमेटिकली वेट चेक करेगा एक एक कैन का, जिसमें 900 मिलीलीटर से कम पाया गया तो वो कैन को रिजेक्ट कर देगा, और वो रिजेक्टेड कैन सोल्ड नहीं होते, रिजेक्टेड कैन
ओपन भी नहीं होते, उसका लिक्विड जो अंदर डाल दिया जाता है वो रीयूजेबल नहीं होता, वो पूरा पूरा वेस्ट चला जाता है। ठीक है, अब यहां पे बोला जा रहा है कि कंपनी इसको सुधारना चाह रहा है, एक पैक कंपोनेंट लगाना चाह रहा है इन पैकेजिंग यूनिट, जिससे कि ये लॉस उनको ना हो। ठीक है, ये लॉस उनको ना हो, और उसमें एक ऐसा डिवाइस आएगा जो रिफिल करने के पहले कैन में घुस के कैन का वॉल्यूम मेजर करेगा, और एक फॉर्मूला से वॉल्यूम विल बी ट्रांसलेटेड इनटू वेट। जैसे कैन घर में बन रहे तो कैन का बेस अगर जैसे नीचे से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, आपको तो दिख नहीं रहा, कैन भी तो फैक्ट्री में फैसिलिटी में ही बन रहे, तो अगर नीचे उसका उठा हुआ हो गया, ठीक से कट नहीं हुआ अंदर में, उसका वॉल्यूम कम आ गया, ठीक से हवा पंप नहीं हुआ उसमें, तो ऑब्वियसली क्वांटिटी कम हो जाएगी, और क्वांटिटी कम बेचोगे तो रेपुटेशन पे इफेक्ट आएगा। तो एक इन लोग डिवाइस लगा रहे जो बिफोर रिफिलिंग कैन में घुसेगा वॉल्यूम से वेट मेजर करेगा, जिसका कैपेसिटी 900 मिलीलीटर से कम पाया गया वो खाली कैन को टॉप ऑफ कर देगा। तो इससे क्या होगा, जो वेस्ट ऑफ ऑयल हो रहा था वो 0% पे आ जाएगा। बस ये कहानी है। यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कंट्रोल विच इज एग्जिस्टिंग एंड टाइप ऑफ कंट्रोल विच इज प्रपोज्ड। व्हाट इज योर आंसर? एग्जिस्टिंग क्या है यहां पे? एग्जिस्टिंग क्या है? फीडबैक। कैसे? एक्सप्लेन करना होगा ना कि फिल होने के बाद आप मेजर कर रहे हो कि उसमें 900 गया कि नहीं, फिर उसको हटा दे रहे हो। And what is being proposed is feed forward. Feed forward, very nice. ये जो हो रहा है यहां पे ऐसे लिख देते हैं हम यहां पे शॉर्ट में, ये फीडबैक हो रहा है और यहां पे फीड फॉरवर्ड हो रहा है। पढ़ाई बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसा है कि मतलब आपको लगेगा कि ये सारा दिन पढ़ते रहे यार, अगर थोड़ा बहुत भी कमर्शियलाइजेशन में इंटरेस्ट है तो। एज अगेंस्ट वो इनकम टैक्स पढ़ना, लॉ पढ़ना और अकाउंट्स पढ़ना, वही डेबिट क्रेडिट्स। कुछ बोल नहीं रहा पब्लिक, नहीं मतलब ट्रेडिशन ऐसा नहीं कि टैक्स वैसा है, मतलब वे क्या टैक्स का ना एक सैचुरेशन है दिमाग में, मतलब ऐसा है कि टैक्स का एक और इंस्टेंस होता है, जैसे जो बिग फोर में बड़े बड़े टैक्स डिपार्टमेंट में काम किए ना, वो टैक्स फट से रिलेट कर लेते हैं। हाँ ऐसा केस देखा हुआ है, ऐसा केस देखा हुआ है, और ऐसे इसे तो हम भी सुना था। बट एक प्रॉब्लम आता है टैक्स में कि आप जनरली मीडियोकर फॉर्म से रहे हैं, आर्टिकलशिप थोड़ा सा नॉर्मल जगह सा हुआ हुआ है जहाँ टैक्स पे उतना एक्सपोजर नहीं मिला, तो सब हवा हवा ही लगता है, मतलब एक रिलेट होता है ना कि लॉ में ऐसा। तो अगर आपको उस लॉ का मेमोरेंडम बताया जाए ना कि ये सेक्शन भी क्यों इंट्रोड्यूस किया था, तो इंटरेस्टिंग लगता है। अच्छा, अदरवाइज थोड़ा सा वो मोनोटोनस होता है, क्योंकि आप एप्लीकेशन को विजुअलाइज नहीं कर पाते, और ये सब तो एप्लीकेशन तुरंत विजुअलाइज हो रहा है। नेक्स्ट आइए बिहेवियरल एस्पेक्ट्स। बिहेवियरल एस्पेक्ट्स इसमें एक बात बोल रहा है, देखो इसका फोकस ऑफ डिस्कशन क्या है बिहेवियरल एस्पेक्ट का, कि बजट बनाते वक्त मैनेजर्स को इन्वॉल्व करें। फोकस इज पार्टिसिपेट मैनेजर्स, पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजर्स मे मेक बजट सक्सेसफुल। लेकिन इसका एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। ये इस पूरा हेडिंग का फोकस है, फोकस ऑफ द हेडिंग इज क्या बजट मैनेजर्स को लेके बनाना चाहिए, जिनके लिए बजट बना रहे उनको लेके बनाना चाहिए, या फिर आप खुद से बना के उनको दे देंगे, तो इसके फायदे और नुकसान क्या है, दिस इज द कंसर्न। ठीक, एक कॉन्सेप्ट होता है बजट स्लैक। अगर पार्टिसिपेशन में आप बजट बनाते हो ना,
तो मैनेजर लोगों का मोटिवेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के प्रति नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, जानबूझ के एक ऐसा इजी बजट बनवा लेगा जिसको अचीव करना बहुत आसान है, और हर बार बोलेगा देखिए हम तो अचीव कर लिया। समझ गए? मतलब वो बजट में अपने लिए जो होना चाहिए और जो लिखवाया उसमें काफी डिफरेंस क्रिएट कर लेगा, इजी बना देगा। और इजी बना दिया मतलब वो बजट के हिसाब से आराम करेगा, इसी को बोलते हैं बजट स्लैक। तो देयर इज अ टेंडेंसी दैट मैनेजर्स में क्रिएट बजट स्लैक। आप ये लिखिए यहां पे, एक छोटा सा इंटरप्रिटेशन लिखिए इसका, बजट स्लैक में इन पार्टिसिपेटिव बजट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं इसमें? पार्टिसिपेटिव मतलब हु इज पार्टिसिपेटिंग, या मैनेजर्स। इन पार्टिसिपेटिव बजट्स मैनेजर्स हैव टेंडेंसी कीप बजट इजी। ठीक है, सो दैट इट इज इजियर टू अचीव। वॉट इज बजट स्लैक? स्लैक इज इक्वल टू डिजायर्ड बजट माइनस बजट अप्रूव्ड बाय मैनेजर, बजट प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर। डिजायर्ड बजट माइनस बजट प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर। स्लैक समझ में आ गया अभी आपको? ये इसका फ्लॉ है, बट इसका एडवांटेजेस क्या है वो सब यहां पे डिस्कस भी होगा। यहां पे और भी पॉइंट्स हैं कि मैनेजर द बजट इज फ्रेम टू एक्ट एज अ प्लान फॉर मैनेजर, द मैनेजर में देयरफॉर परस्यू दिस प्लान एट द कॉस्ट ऑफ अदर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स दैट इमर्ज इन इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ द फर्म। मतलब बजट जब उनको आप बना के दे दोगे और आप उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं लोगे तो वो एक ही चीज जो लेके बैठ गया वही टनल विजन, उसी पे फोकस किया जा रहा है, नया चीज पे ध्यान ही नहीं दे रहा, तो पता चलता वो नॉन क्रिटिकल फैक्टर्स पे मेहनत किए जा रहा है। ठीक, मतलब डायनामिज्म के ऊपर यहां पे पॉइंट उठाया जा रहा है कि बजट डायनामिक नहीं हुआ तो प्रॉब्लम्स आएंगे। एंड फिर देयर इज मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर इन आवर बजटरी कंट्रोल सिस्टम विच मैनेजर्स डू नॉट ऑलवेज वॉन्ट टू फॉलो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, दे हैव देयर ओन गोल्स इन लाइफ, दैट्स वाई दे आर नॉट एंटरप्रेन्योर्स। हैड दे बीन द सेम एंटरप्रेन्योर्स तो उनका गोल कॉमन होना चाहिए, कॉमन गोल नहीं है उनका। तो ये एक ओन कॉन्फ्लिक्ट है, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बजट अचीव करने में हमेशा आते ही हैं। यही बिहेवियरल इश्यूज है, एम्प्लॉय का माइंडसेट का इश्यूज। तो यहां पे कुछ पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं दोस्तों कि क्या क्या चीज जनरली हिंड्रेंस बन के आते हैं। नो मोटिवेशन, मोटिवेशन एक पॉइंट इफेक्ट करता है। फिर कम्युनिकेशन, मैं यहां लिखता हूं ऐसे, मोटिवेशन एक पॉइंट है, कम्युनिकेशन दूसरा पॉइंट है, फिर वही परसेप्शन कि आप जो बता रहे हो वो क्या समझ रहा है। फिर कई बार बजट है ना डिफिकल्ट टारगेट्स लगते हैं उसको, उसको लगता है ऐसा इतना ज्यादा बोल दिया ये, मुझे तो पूछा भी नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आती।
अब देखिए यहाँ पे मोटिवेशन हो गया, अप टू द पॉइंट वेयर द बजट इज नो लॉन्गर एक्सेप्टेड, द मोर डिमांडिंग द टारगेट द बेटर द रिजल्ट्स अचीव्ड। इसका मतलब क्या हुआ? अप टू द पॉइंट वेयर द बजट इज नो लॉन्गर एक्सेप्टेड, द मोर डिमांडिंग द टारगेट द बेटर द रिजल्ट्स अचीव्ड। इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वाला पढ़ो, डिमांडिंग बजट्स आर सीन एज मोर रेलिवेंट देन लेस डिफिकल्ट टारगेट्स। बट नेगेटिव एटीट्यूड्स रिजल्ट इफ दे आर सीन एज टू डिफिकल्ट। डिमांड बजट क्या होता है कि जब जरूरत पड़ेगा तब बजट बनाएंगे। अब सिंपल हो गया, तो जब जरूरत पड़ा तब बजट बनाया, ऑन डिमांड बजट बनाया गया और उसको अचीव करने गए तो हो जाता है। बट अगर आप पहले से बजट बना के रखे और उसमें टारगेट्स ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का डाल दिए तो करेगा ही नहीं उसको। बजट्स ऑन डिमांड बेसिस आर मोर यूजफुल। फिर कम्युनिकेशन वाली बात आई यहां पर, ये दोनों पॉइंट का एक ही समरी है। कम्युनिकेशन वाली बात आई और कई बार होता है वो मैनेजर का अपना पर्सनैलिटी, अपना कल्चर और ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स के ऊपर भी बजट का एफिशिएंसी डिपेंड करता है। एक बहुत अच्छा यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, इससे बहुत पिक्चराइजेशन क्लियर होता है। देखिए बजट का डिफिकल्टी लेवल इजी है ना, तो बजट एक्चुअल मीट होता हुआ दिखेगा, देख रहे हैं? और जैसे जैसे आप डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दीजिए एडवर्सिटी आना शुरू होगा। तो अपने ये देखे हैं इस ग्राफ से, इजी इज इक्वल टू अचीवेबल। बट क्या होता है, पार्टिसिपेटिव बजट में हमेशा वो चाहेगा बजट इस लेवल पे रहे। यह है पार्टिसिपेटिव बजट, वो हमेशा यही चाहेगा। और वहीं इम्पोज्ड बजट जो होते हैं वो यहां पे होते हैं। इम्पोज्ड बजट समझ गए क्या? क्या कौन इम्पोज कर रहा है किसके ऊपर? टॉप मैनेजमेंट अपना जूनियर मैनेजर्स पे इम्पोज कर रहा है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट हमेशा क्या चाहेगा, बेस्ट टू बेस्ट ला के दिखाओ। और बेस्ट टू बेस्ट हमेशा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट बजट इज बेस्ट टू बेस्ट बजट। तो इसीलिए बोलते हैं कभी भी अपने जूनियर्स को, कभी भी अपने जूनियर्स को जब आप बजट देते हो ना तो बेस्ट टू बेस्ट मत बताया करो। ये रूल मतलब एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको। कभी भी जूनियर से काम कराना हो, अगर आप मोस्ट आइडियल चीज उसको बोल दो कि यार वही करके दिखा, वो कभी कुछ नहीं करेगा। आप भले अच्छे से ही बोल रहे हो कि कर लेगा तो कुछ बन जाएगा, अपने लिए भी भला करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी भला करेगा, बट उसको बात समझ ही नहीं आएगी। उसको इतना डिफिकल्ट लगेगा, उसको लगे हमको करना ही नहीं, फालतू बात कर रहे हैं मेरे साथ। छोटा छोटा टारगेट दो, स्मॉल स्मॉल टारगेट। इसलिए बजट का स्टार्टिंग पॉइंट में एक पॉइंट आया था, शॉर्ट टर्म टारगेट्स होना चाहिए। छोटा छोटा टारगेट देने से बजट का इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है। वहीं आप एक साथ बोल दोगे एक टीम को बुला के, तुमको 5 साल में 10 करोड़ का रेवेन्यू ला के दिखाना है, वो घबरा जाएगा। वहीं आप बोलिए तुमको दिन का 100 रुपया का रेवेन्यू लाना है, ईजी लगेगा। समझ गए? जैसे हमने SGC के लिए बनाया था एक बार एक बजट कि अपने को 1 साल का 1 करोड़ रुपया रेवेन्यू चाहिए। अब अगर मैं टीम को दे दू ना, क्या बोल रहे सर 1 करोड़ रुपया? करोड़ मतलब कितना जीरो होता है, 100 लाख, कितना मेहनत करना होगा। मैंने क्या किया, काइजन किया, मतलब मुझे 1 करोड़ नहीं चाहिए। 1 करोड़ डिवाइड बाय 365 करिए, मुझे 30,000 रुपया तो दिन का दोगे सर? दिन का 30,000, वो तो 3 स्टूडेंट हो जाएगा। दिस इज द बजट, इजी बनाना पड़ता है। जैसे आपको बोल दूं, इम्पोज कर दूं, टॉप 10 में आना पड़ेगा इंडिया में, वहीं से हाथ जोड़ लेंगे, कल से कट पतली गली कटने का कोशिश करेंगे, फिर दिखेगा तो टॉप 10 करने लगेंगे, भाई निकल लो यहां से। अब यही बोलू, बस कल सारा होमवर्क करके आ जाना, बस इतना सही, शायद हो जाए। तो यही है, सिंप्लीफाइड बजट होने चाहिए।
और पार्टिसिपेटिव का जनरली एटीट्यूड होता है इजी बजट, और इम्पोज का जनरल एटीट्यूड होता है बेस्ट टू बेस्ट बजट। ये एक बहुत अच्छा केस स्टोरी है, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें एक मिस्टर सिंह है, वो अपना पहले फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, केस स्टडी फ्रस्ट्रेशन। इट्स फ्रस्ट्रेटिंग वर्किंग विद डेनियल, इज वेरी डोमिनेंट एंड एक्सपेक्ट्स एवरीथिंग टू बी डन हिज वे। वी हैव डन मोर एंड बेटर वर्क टू गेट अप टू द बजट, द मिनट वी मेक इट ही टाइटन्स द बजट ऑन अस। नाउ टाइटनिंग द बजट मतलब डिफिकल्ट बना देते हैं, टाइटन्स मतलब डिफिकल्ट, और अच्छा करके दिखाओ। अच्छा इस बार तुम 10 रुपया में लाया, अब 9 रुपया में ला के दिखाओ। वी कांट वर्क एनी फास्टर एंड स्टिल मेंटेन क्वालिटी। मतलब आप बोले फास्ट करो, ये बोल रहा है क्वालिटी लाओ। तो हम लोग को क्वालिटी लाना है तो इससे जल्दी नहीं होगा। वी ऑलवेज सीम टू बी इंटरप्टिंग द बिग जॉब्स फॉर स्मॉल रश ऑर्डर्स। अच्छा एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, कभी भी बजट में एक रूल समझिएगा, अगर कोई भी एडवर्सिटी इफ इट इज ड्यू टू अनकंट्रोलेबल रीजंस, देन मैनेजर शुड नॉट बी पेनलाइज्ड, शुड नॉट बी ब्लेम्ड। क्योंकि अनकंट्रोलेबल है तो अगला करेगा क्या, कंट्रोलेबल है तो यू कैन टेक मेजर्स, टेक एक्शंस, बट अदरवाइज अनकंट्रोलेबल होने से कुछ नहीं करना। उस समय पेनलाइज नहीं करना, रिवॉर्ड देना है तो देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। ये केस सिनेरियो बिहेवियर को लेके ही आप देखिएगा, बिहेवियरल इश्यूज ये है यहां पे। ये बोल रहा है हर बार हम बड़ा काम जो हाथ में लिए हुए होते हैं उसको इंटरप्ट करवा दिया जाता है, बोलते इसको एक बार छोड़िए, पहले स्मॉल रश ऑर्डर करिए। ये आपके सीएफआर में भी हुआ होगा कभी, अरे सुनो तुम वो क्या कर रहा था, सर वो बड़ा वाला कंपनी का जो ऑडिट रिपोर्ट करना था उसको ही पीछे लगे हुए थे। अरे तुम खाली उसी के पीछे पड़ा हुआ है, तुम एक बार छोटा सा ये वाला करके दो तो। अब आपको समझ में नहीं आता मैं ये करूं कि ये करूं, करेक्ट। तो ये स्मॉल रश ऑर्डर्स जो होते हैं ना, इसको हम लोग अनकंट्रोलेबल मानते हैं। इसमें किसी का दोष नहीं, आया है तो मीट तो करना ही होगा ना, आप ना तो नहीं बोल सकते। रश ऑर्डर के लिए क्या अलग टीम लाए, द फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे और फ्रस्ट्रेशन कंटिन्यू हो रहा है। द अकाउंटेंट सीम टू नो एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन माय डिपार्टमेंट, समटाइम्स इवन बिफोर आई डू। आई थॉट ऑल दैट बजट एंड अकाउंटिंग स्टफ वाज सपोज टू हेल्प, बट इट जस्ट गेट्स मी इन टू ट्रबल। आई एम ट्राइंग टू पुट आउट क्वालिटी वर्क, दे आर ट्राइंग टू सेव मनी, दिस इज अ डेड एंड जॉब, आई डोंट सी मच ऑफ अ फ्यूचर हियर। ठीक, कौन लिखा, मिस्टर सिंह, मैनेजर ऑफ मशीन शॉप ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, यूके बेस्ड कंपनी। नाउ मिसेस सिंह हैड जस्ट अटेंडेड द मंथली परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मीटिंग फॉर प्लांट डिपार्टमेंट हेड्स। दीज मीटिंग्स हेल्ड ऑन ईच फ्राइडे, ऑन थर्ड फ्राइडे ऑफ ईच मंथ, सिंस मिस्टर डेनियल एन एमबीए फ्रॉम मैनचेस्टर हैड जॉइंड द इंडियन ऑपरेशंस अ ईयर अर्लियर। Mr. Singh had just been given the worst evaluation he had ever received in his long career with Global Manufacturing Limited. He was the most respected experienced machinist in the company. Frustration to aayega hi. Old plant manager had often stated that company's success was due to high quality of work of machinists like Mr. Singh. He had been with Global for many years and was promoted to supervisor of the machine shop. When the company expanded and moved to its present location as supervisor, Mr. Singh stressed the importance of craftsmanship. Craftsmanship means quality. And told his workers that he wanted no careless work upcoming from his department. Unka view quality ke prati tha aur usi se company ko success bhi mila tha. Aur aaj ye naya manager aake usko worst evaluation diya. When Mr. Daniel became the plant manager, he directed that monthly performance comparisons be made between actual and budgeted costs for each department. Tick? The departmental budgets were intended to encourage the supervisors to reduce, encourage kiya tha, to reduce inefficiencies and to seek cost reduction opportunities. The intention unka kharab nahi. Now the company control
controller was instructed to have his staff tighten the budget slightly whenever a department attained its budget in a given month. कंपनी कंट्रोलर बोल दिया अपने बजट स्टाफ को कि जैसे ही ये लोग कर पाए ना उसको और टाइट कर देना, नेक्स्ट पीरियड का बजट और टाइट निकालना. दिस वॉज डन टू री इन्फोर्स द प्लांट सुपरवाइजर डिजायर टू रिड्यूस कॉस्ट. मिस्टर डेनियल ऑफन स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूड प्रोग्रेस टूवर्ड्स अटेनिंग द बजट. ही ऑल्सो मेड इट नो दैट ही केप्ट अ फाइल ऑफ दिस परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस. नाउ आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स व्हिच अपीयर टू एग्जिस्ट इन बजटरी कंट्रोल सिस्टम एंड एक्सप्लेन हाउ बजटरी कंट्रोल सिस्टम कुड बी रिवाइज्ड टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस. अब बोलिए क्या हो सकता है. टाइट नहीं करना चाहिए सब तो नहीं बोलना होगा. बुरी बात है टाइट नहीं करना चाहिए, ढीला रखना चाहिए. हाँ देखिए दोनों का नियत खराब लगा क्या, ऐसा सोचो. क्या ये नया मैनेजर गलत सोच रहा है, उसका थिंकिंग गलत डायरेक्शन में? तो प्रॉब्लम कहाँ है पता है? कॉन्ग्रुएंसी में. ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं समझ रहा, उसका ऑब्जेक्टिव नहीं समझ रहा. दोनों को साथ मिल के काम करना चाहिए. पार्टिसिपेटिव बजट इज द सोल्यूशन. मतलब डेनियल अगर ये करे कि बजट बना टाइटन करते वक्त उसका इन्वॉल्वमेंट ले ले तो उसका सोल्यूशन ज्यादा आएगा. लैक ऑफ कोऑर्डिनेटेड गोल्स, क्वालिटी वर्सेस लो कॉस्ट, यहां पे वॉर चल रहा है. सो आपका गोल एक दूसरे को पता चले तो शायद वो टाइटन नहीं करेगा. देन इसमें डिस्प्यूट होने का एक और कारण है रश ऑर्डर विच इज अनकंट्रोलेबल. तो इसके लिए मिस्टर सिंह को नाराज नहीं होना चाहिए, करेक्ट. एंड देन मंथली इवैल्यूएशन करना इज गुड, करेक्ट. बट मंथली टाइटनिंग इज नॉट गुड, दिस इज नॉट फेवरेबल. आप टाइट करो, लॉन्ग टर्म में टाइट करो. एक दिन में हर महीना कॉस्ट रिडक्शन कैसे होगा? ये डेनियल का एक कमी है, ठीक है. सो यहां पे बोल रहा है कि व्हाट आर द इंप्रूवमेंट्स या सोल्यूशन दैट यू आर रिकमेंडिंग. ऊपर में फैक्ट्स ऑफ द केस बताया, तीन फैक्ट्स है, फैक्ट वन, फैक्ट टू, फैक्ट थ्री. ये फैक्ट्स थे, फैक्ट वन, फैक्ट टू, फैक्ट थ्री. देन सोल्यूशन, सोल्यूशन इज क्लियरली डिफाइन होना चाहिए. कंट्रोलेबल फैक्टर्स पे ही बात होनी चाहिए. और ये टाइम पीरियड का जो गैप है वो मेंटेन होना चाहिए. डू नॉट चेंज मंथली कि प्रीवियस मंथ अच्छा परफॉर्मेंस था तो बस इस बार टाइट कर दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. देखो नॉर्मली लॉ वगैरह में भी केस स्टडी आप कैसे लिखते थे? पहले फैक्ट्स ऑफ द केस फिर सोल्यूशन, वही रूल है यहां पे, फैक्ट्स ऑफ द केस फिर सोल्यूशन. तो एग्जाम में कभी आदमी खाली नहीं बैठता केस स्टडी में, फैक्ट्स ऑफ द केस तो कॉपी मानना है, बस अलग फैक्ट को अलग पैरा में दिखाना. जनरली लॉ के सम्स में क्या होता था, एक ही फैक्ट, ठीक. यहां पे मल्टीपल फैक्ट्स निकलेंगे. देन देर आर टू टाइप्स ऑफ बजट, पार्टिसिपेशन इन बजट सेटिंग. देखिए यहां पे इम्पोज स्टाइल बजट बात हो चुका है, फ्लो डायग्राम देखोगे तो और अच्छा समझ पाओगे. देन पार्टिसिपेटिव बजट ऑलरेडी बात हो गया है कि इसमें बजट स्टाफ डिपार्टमेंट मैनेजर को सबमिट करेगा, सीनियर मैनेजमेंट उसको रिव्यू करके रिजेक्ट कर देगा तो वापस बनाने बोला जाएगा, या फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो सबको वापस. देखिए कहां से आ रहा है स्टाफ, ये हायरार्की को पढ़िएगा. बजट होल्डिंग स्टाफ, पहले सीनियर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट मैनेजर्स, बजट होल्डिंग स्टाफ. अभी क्या हो रहा है, बजट होल्डिंग स्टाफ डिपार्टमेंट मैनेजर को दे रहा है, डिपार्टमेंट मैनेजर सीनियर मैनेजमेंट को दे रहा है. एक्सेप्ट करने के बाद वापस वही फ्लो आ रहा है. एक्सेप्ट होने के बाद सीनियर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट मैनेजर्स एंड बजट होल्डिंग स्टाफ को सबको वो सर्कुलेट कर दिया जाएगा. पहले नीचे से लाएंगे फिर वापस सबको दे आएंगे. समझ में आया, ब्रिंगिंग एंड गिविंग बैक. यहां पे ब्रिंग कर रहे हैं, यहां पे गिविंग बैक. ठीक है. नाउ लास्टली यहां पे एक पॉइंट रेज किया गया है कि कब पार्टिसिपेटिव बजट यूजफुल नहीं होता.
यहाँ पे देखिए पार्टिसिपेटिव बजट इज लेस इफेक्टिव एंड रेलिवेंट कब, मतलब दीज आर सरकमस्टेंसेस व्हेन पार्टिसिपेशन इज लेस इफेक्टिव circumstances when participation is less effective. circumstances when participation is less effective. कब कब होता है ये ध्यान दे लेना एक बार, जब managers जो आपके senior पे है, senior managers, with senior managers who are authoritarian, authoritarian समझते हैं क्या, order छांटने वाले डिक्टेटर्स, तो उनके लिए पार्टिसिपेटिव बजट ईगो पे लग जाएगा, वो लोग कम नहीं चलाएंगे नहीं. दूसरा, जब आपको लगता है कि सारा काम टेक्नोलॉजी से ही होता है, हाईली प्रोग्राम टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, तो पार्टिसिपेशन लेके करेगा क्या, उसको तो उतना टेक्नोलॉजी मालूम नहीं है जूनियर लेवल पे. थर्ड, जिनका मतलब ऐसा भविष्य के लिए वो बहुत निगेटिव आदमी है, उसको इन्वॉल्व करके कभी बजट नहीं बनाना. दोज हु बिलीव दैट हु हैव लो डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर देयर डेस्टिनी, ये बिहेवियरल इशू है. ऐसा नेगेटिव इंसान जो अपने लिए हमेशा भविष्य का नेगेटिव सोचता है, उसको लेके कभी बजट नहीं बनाना. वेयर जॉब डिफिकल्टी इज लो, वहां पे पार्टिसिपेटिव बजट का जरूरत नहीं. जब डिफिकल्टी हाई है तो आप उनसे इनपुट लोगे ना, तो लोग इजीली कर पाएंगे. जब डिफिकल्टी नहीं है तो वो लोग बजट बताएंगे ना, स्लैक इंट्रोड्यूस करवा देंगे. फिफ्थ, इन अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं यहां पे ये पूरा पैराग्राफ में, ऐसा नहीं सोचना कि इंपोज स्टाइल ही बेस्ट है कि पार्टिसिपेटिव ही बेस्ट है. इट्स ऑल सर्कमस्टेंसेस व्हाट इज बेस्ट. Which style is best is decided by circumstance. फिर वापस यहां पे रिपीट कर रहा हूं ऊपर का, मैं यहां से एरो खींच देता हूं. ये देखिए पांच नंबर हुआ ना, इसके बाद ये कंटिन्यूड हो रहा है, ऐसा समझिए. ये फिर पर्सनैलिटी पॉइंट को लेके यहां पे रिपीट बोला, ऊपर में भी है पर्सनैलिटी का इशू, ये रिपीट है, ये भी रिपीट है, ये एक नया है, सिक्स्थ नया है. जब आपको लगता है मैनेजर्स कैन इन्फ्लुएंस द एक्चुअल रिजल्ट्स, तो पार्टिसिपेटिव बजट कभी नहीं लेना. इन्फ्लुएंस रिजल्ट मतलब समझ रहे हैं, मैन्युपुलेशन का स्कोप है, तो एक्चुअल कुछ भी लाके दिखा देगा आपको, आपको विश्वास करना पड़ेगा. जब आपको ऐसा लगता है तो पार्टिसिपेटिव बजट नहीं लेना चाहिए. सेवेंथ, जब आपके यहां पे लार्ज नंबर ऑफ होमोजीनियस यूनिट्स हैं एंड ऑपरेटिंग इन स्टेबल एनवायरमेंट है, लार्ज यूनिट इन स्टेबल एनवायरमेंट, देखिए ये इसलिए मार्क कराया जा रहा है कि केस स्टडी क्वेश्चंस में सिचुएशन ऐसा अगर दिखा तो आपको समझना होगा कि वहां क्या रेकमेंड करना है इनको, पार्टिसिपेटिव की इंपोज्ड. नेक्स्ट, यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, व्हाट इज दिस अबाउट, कि आप परफॉर्मेंस के लिए बजट और एक्चुअल डेटा लोगे, तो बजट एक्चुअल डेटा कहां से आएंगे, एक्चुअल डेटा यूजुअली अकाउंट से आते हैं, तो उस समय हम लोग ये बोल रहे हैं कि आप किस तरह से डेटा उठाओगे. थ्री डिस्टिंक्ट स्टाइल्स ऑफ यूजिंग बजट एंड एक्चुअल कॉस्ट इंफॉर्मेशन आर देयर, थ्री स्टाइल्स है. बजट कॉन्स्टेंट स्टाइल इज नंबर वन, विच इज सेइंग
बजट कॉन्स्टेंट स्टाइल ये बहुत कॉमन लैंग्वेज है आपका केस स्टडी क्वेश्चन का, जिसमें कि लोग बोल रहा है कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो आप बजट अचीव करके दिखाओ, मीटिंग द बजट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब उस बजट में अगर नुकसान का चीज भी लिखा हुआ है तो करना ही होगा, अथॉरिटोरियन स्टाइल है पूरा, डिक्टेटरशिप है। इवैल्यूएशन हम करेंगे तभी आपका पॉजिटिव जब आपने बजट मीट किया। प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल में क्या हो रहा है आप सोचिए। हाँ जी, बजट कॉन्स्टेंट में ना इंपोज बजट टाइप समझिए, उसको अचीव करके दिखाना ही पड़ेगा। और प्रॉफिट कॉन्शियस में क्या हो रहा है, हम लोग को बजट बजट से मतलब नहीं, अचीविंग प्रॉफिट टारगेट्स इज इंपॉर्टेंट। और नॉन अकाउंटिंग में एनी गेसेस? नॉन फाइनेंशियल्स आर इंपॉर्टेंट। इसका एक समरी दिया हुआ है कि अलग अलग सिचुएशन में किसके ऊपर ज्यादा ध्यान रहता है। ये एक लास्ट केस सिनेरियो मैं आपके साथ अभी करना चाहूंगा। ये एक प्रैक्टिकल और सम्स और कमेंट बेस्ड केस को कंबाइन किया गया है। मैं शॉर्ट में समरी बताता हूं। यहां पे कंपनी है ग्रेट बस टूर कंपनी लिमिटेड, इसका डबल डेकर ओपन बस है जो टूरिस्ट स्पॉट्स में काम आता है, मेघालय में ऑपरेट कर रहा है। ये अपना जिंदगी गरीबी से शुरू किया था और अब इसके पास 44 बस है जो पूरा नॉर्थ ईस्ट में रन कर रहा है। ठीक, इसके पास 5 रूट है विथ स्टॉप्स एट टूरिस्ट डेस्टिनेशन और 24 आवर टिकट लेके लोग जनरली, ये टूरिस्ट बस जो डबल डेकर ओपन होते हैं ना, फॉरेन ओरन में तो बहुत चलते हैं, इंडिया में भी ये सब थोड़ा बहुत शुरू हुआ है हिली एरियाज में और बहुत फ्रीक्वेंट जहाँ पे टूरिस्ट लोग जाते हैं वहाँ पे सिस्टम होता है कि आप एक टिकट ले लो, 24 आवर्स तक वैलिड है, आपको जहाँ से जहाँ तक जाना है चल जाओ, वो बस चलते ही रहता है नॉर्मल, कोई भी बस आएगा आप हाथ दिखाओ रोको चढ़ जाओ, फिर जहाँ उतरना उतर जाओ, 24 आवर तक टिकट वैलिड है। समझ गए, मतलब एनी इसके 44 बस रन कर रहे हैं 5 रूट पे, तो आप कहीं पे भी जाइए कहीं पे भी उतर जाइए, फिर उधर से जाके उधर चढ़ जाइए, उसी बस में घूमते रहिए। तो ये इनका मेथड है, इन्होंने एक बजट का प्लान बनाया था जिसमें टारगेट दिया था रेवेन्यू ला के दिखाना है, रुपीज इन थाउजेंड है, 1,13,800, वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल फ्यूल लुब्रिकेंट सन्ड्रीज लेबर, वेरिएबल ओवरहेड फिक्स कॉस्ट में बसेस गैरेज सैलरीज एंड मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेशन में ला के इतना प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनको लाना था। 23,200 इन रुपीज इन थाउजेंड है, मतलब 2 करोड़ समथिंग हो गया ना, 3,25,27, 2,32,00,000 ला के दिखाना था। करंट ईयर में रेवेन्यू देखिए गिरा, मटीरियल कॉस्ट बढ़ गया, लेबर घट गया, वेरिएबल ओवरहेड घटा हुआ है और ऑपरेटिंग ओवरहेड बढ़ गया, मार्केटिंग एडमिन घट गया और लॉस आ गया। ठीक, नाउ अदर इंफॉर्मेशन में बोल रहा है ऑब्वियसली गिवन एक्चुअल इज नॉट अप टू द मार्क, एक्चुअल रिजल्ट्स वेयर शोइंग एडवर्स वेरियंस इन कंपैरिजन विद बजटेड फिगर्स। नाउ मैनेजर्स ऑफ जीबीटीसीएल वेयर अपसेट बिकॉज दे डिड नॉट रिसीव द बोनस। कैसे देगा बोनस, बजट कहां था, एक्चुअल लॉस में है तो बोनस कैसे आएगा। अब मिस मैगी टूर मैनेजर ऑफ रूट नंबर 3 सेड भाई हमारा कोई गलती नहीं है, वी लॉस 2 मंथ्स रेवेन्यू एंड फ्यूएल प्राइसेस आर ऑलमोस्ट डबल्ड, वी डिड आवर बेस्ट बट दीज सर्कमस्टेंसेज वेर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, वी शुड नॉट बी पेनलाइज्ड एट ऑल। ठीक, तो इन्होंने इन सपोर्ट आवर स्टेटमेंट मिस मैगी ने प्रोवाइडेड फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि रेन इज कॉमन इन नॉर्दर्न रीजन बट द पास्ट ईयर सेट अ रिकॉर्ड नंबर्स, जुलाई में 1577 के जगह 1810 हुआ, अगस्त में 990 के जगह 1535 हुआ, हैवी रेन इन दीज टू मंथ्स डिस्टर्प्टेड नॉर्मल लाइफ ऑफ द रीजन। तो बेसिकली ये समझ सकते हो ऊपर में जो फिर रेवेन्यू है वो 10 महीने का ही है जबकि बजट तो 12 महीने का रहा होगा। फ्यूएल प्राइसेस भी बोल रहा है ऑलमोस्ट राइज गया कंटिन्यूअसली ड्यू टू सर्ज इन
ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस, और वो यहाँ पे बोला है कि इट हैज बिन ऑलमोस्ट डबल्ड, इसलिए मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ा हुआ है. एडिशनल ऑपरेटिंग एक्सपेंस 22 लाख वेर ऑल्सो इनकर्ड टू रिमूव द मिल्की अपियरेंस एंड गिव द स्टेनलेस अ नाइस न्यू लुक इफेक्टेड बाई हैवी रेन. तो शी क्लेम्ड दैट रिवाइज बजट विथ कंसिडरेशन ऑफ अबव फैक्टर्स वुड गिव डिफरेंट रिजल्ट एंड लीड टू डिफरेंट कंक्लूजन. करेक्ट, हमने पहले एक पॉइंट हाईलाइट किया, किसी भी मैनेजर को अनकंट्रोलेबल रीजंस के लिए पेनलाइज नहीं किया जाना चाहिए, मतलब रिवॉर्ड रोका नहीं जाना चाहिए. सोल्यूशन इज एनालाइज द टूर मैनेजर्स व्यू. अब एनालिसिस ऑफ इशू में यहाँ पे जो बोला है मैं आपको बता देता हूँ, आपको आप घर में पढ़ लेना है. बट बेसिकली करना क्या, आपको एक रिवाइज बजट बना के इनको कंपेयर करना है. अभी रिवाइज बजट भी बनाया हुआ है वहां पर, बट मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे मेरे साथ बना ले, एक बार यहाँ पे बना लेते हैं. रिवाइज बजट बोल रहा है कि आप ये 1,800 12 महीने का, तो 10 महीने का देखो, बताओ मुझे, डिवाइड बाय 12 इंटू 10, डिवाइड बाय 12 इंटू 10, 94, 833. नाउ वेरिएबल कॉस्ट बोल रहा है डबल हो गया, रुको रुको रुको, डबल हो गया. तो डबल का रिफ्लेक्शन यहां पे है, तो रिवाइज बजट में डबल का इफेक्ट लेना चाहिए. जैसे ये प्राइस तो नहीं पता, तो रेवेन्यू का परसेंट पे खेलेंगे. तो इनका कहना है कि इसमें जो इनका वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा हुआ उसका कारण है फ्यूल कॉस्ट डबल हुआ. तो व्हाट इज आइडियल, यू शुड टेक दिस वेरिएबल कॉस्ट हियर मटेरियल कॉस्ट एट एक्चुअल लेवल्स. ये तो 10 मंथ्स का रेवेन्यू था, ये एक्चुअल पे लीजिए. इवन इन रिवाइज बजट यू आर टेकिंग इट एक्चुअल लेवल बिकॉज प्राइसेस हैव डबल्ड. बजट के हिसाब से चेंज करोगे ना, तो ओरिजिनल बजट तो नॉर्मल प्राइस इंडेक्स कवर कर रहा है, रिवाइज बजट बोल रहा है कि डबल जो हुआ उसका इफेक्ट लीजिए. तो इसको अपने इसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट करेंगे. कितना परसेंट है आप देखिए, ये वर्किंग आ रहा है इसका 19600 एक्चुअल लेवल पे. करिए 19600 डिवाइडेड बाई 93500, कितना परसेंट होता है ये, यहां लिख देते हैं 20.96%, और इंटू कर दीजिए आप 94833, कितना हुआ 19879. अच्छा, लेबर कैसे लोगे, ये परसेंट एक्चुअल लेवल पे निकाल के ले लिया गया. लेबर कैसे लोगे रिवाइज बजट में, लेबर में तो कोई कमेंट नहीं था उनका, तो कैसे आना चाहिए, हाँ जो है वही, मतलब 4500. तो 10 मंथ्स कर सकते हो या परसेंट ऑफ रेवेन्यू कर सकते हो, परसेंट ऑफ रेवेन्यू करो 4500. ये एक्चुअल था तो ये बजट लेवल पे ही है, और ये भी बजट लेवल पे ही होगा. दोनों जल्दी जल्दी बताइए कितना परसेंट हुआ. इंटू कर दीजिए 94833, 33750. फिर ये वाला करिए सेम तरीका, 7700 बाई 113800 इंटू 94833, 6417. अच्छा, ऑपरेटिंग कॉस्ट में ये लोग जो एक्चुअल कॉस्ट लिया है 20,150, उसमें बोला 22 लाख, 22 लाख तो बस का रिपेयरिंग में घुसा हुआ है, तो वो हटा दीजिए 22 लाख का इफेक्ट. 22 लाख मतलब 2,200 का इफेक्ट, रुपीज इन थाउजेंड है, तो इसका इफेक्ट आ रहा है जो एक्चुअल अमाउंट था वो था 20,150 है ना, ऐसे नहीं आएगा, इट शुड बी 18,100 आपका फिक्स कॉस्ट है ना, 18,100 जो फिक्स कॉस्ट है इसमें आप 2,200 जोड़ दीजिए जो रिपेयरिंग का कॉस्ट आपने ऐड किया, तो ये कितना आ रहा है 20,300. ये लॉजिकल है, 18,100 में 2,200 आप जोड़ दीजिए, क्योंकि ये प्लान्ड नहीं था बजट में, आप बजट में इसको जोड़ देना चाहिए. और मार्केटिंग वही 10,700 रहेगा, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है रिवाइज का,
3787. ठीक है, दैट मीन्स ये आपका एक्चुअली कंपैरिजन के लिए यूज होना चाहिए. यूज दिस फॉर कंपैरिजन, यूज दिस फॉर कंपैरिजन. आप एक्चुअल से कंपेयर करो, ये गलत है. या आप 23200 से कंपेयर करो, ये गलत है. ये कितना परसेंट हो रहा है रेवेन्यू का? 3787 बाय 94833. हाँ, 4%. तो इट इज 4% ऑफ योर सेल्स. और पहले क्या सोचा था आपने? ये कितना परसेंट है? 20% ऑफ सेल्स. तो बेसिकली 20% से 4% आ गया. बट आप जो बोल रहे थे लॉस करा दिया, वो तो गलत है. लॉस सोचना ही गलत है ना? तो आपका जो रिवाइज बजट आया, ये रिवाइज बजट से एक्चुअल को कंपेयर किया जाना चाहिए. ओके, तो आप जो लॉस सोच रहे थे कि 23200 से कहां ले गया मुझे, एक्चुअली वो 3787 से 250 लॉस पे ले गया. आई होप आप समझ रहे हैं. मुझे बताओ, हम बजट चेंज करें कि एक्चुअल को चेंज करके समझ रहे हैं? व्हाट इज दिस रिवाइज्ड कैलकुलेशन? व्हाट वी हैव चेंज्ड? बजट को चेंज किया हमने. रेवेन्यू देखिए 93500 आया है एंड इट इज 10 मंथ्स रेवेन्यू. ठीक, जबकि अगर हम बजट को 10 मंथ्स के लिए चेंज कर देते हैं तो इट इज कमिंग 94833. दैट मींस उन्होंने कहीं तो नुकसान हमारा कराया ही है. रेवेन्यू का नुकसान तो हुआ ही है. 10 महीने का भी रेवेन्यू लेते हैं तो भी 94833 आना चाहिए, बट आया कितना है? 93500. तो नुकसान थोड़ा तो हुआ ही है. देन वेरिएबल कॉस्ट इनका 19600 आया. इनकी बात मान ली, फ्यूल कॉस्ट डबल हो गया तो भी वो 19879 होना चाहिए. तो 19600 हुआ तो यहां उन्होंने सेव कराया. वेरिएबल ओवरहेड देखिए 33750 के जगह, सॉरी लेबर का 33750 के जगह थोड़ा ज्यादा लग गया. वेरिएबल ओवरहेड 6417 के जगह कम हो गया. मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस है. 3787 को उन्होंने 250 नेगेटिव किया, आप ऐसा समझो. आपने जो 3787 सोचा था उसको उन्होंने नेगेटिव करा दिया. ये और ये कंपेयर हो रहा है. दिस एंड दिस शुड बी कंपेयर्ड. ओरिजिनल बजट का रेलिवेंसी खत्म हो गया. एंड बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं गया, इसलिए मिस मैगी का बात आपको सुनना चाहिए. थोड़ा सा रिवॉर्ड देना चाहिए, वरना ये मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे. अगली बार आपका बजट को मानेंगे ही नहीं. बस यही इसका कमेंट है. इसका कमेंट है कि आपको पिनलाइज नहीं करना चाहिए कि हम रिवॉर्ड देंगे ही नहीं, और थोड़ा रिवॉर्ड देना चाहिए. नॉट, आप ऐसा बोल सकते हो, देखिए प्रॉफिट तो आया नहीं, लॉस ही आया. आपके हिसाब से भी चले तो भी लॉस ही आया. तो थोड़ा सा आप ले सकते हो, कंपनी आपके लिए बियर करेगा, सो दैट यू फील मोटिवेटेड. और एक और सजेशन देना है यहां पे. ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे देखिए सजेशन नहीं है, सजेशन. एटलीस्ट सम बोनस मे बी कंसिडर्ड, नंबर वन. एंड नंबर टू इज, ये मैनेजमेंट की भी गलती है कि उसको पता नहीं था क्या डिस्टर्ब हो गया रेवेन्यू 2 महीना, तो उसने अपने आप क्यों नहीं रिवाइज किया? सही मैनेजर होता, मैनेजमेंट टीम होता, तो खुद ही रिवीजन कर देते बजट का. ओरिजिनल बजट से ही लास्ट में कंपेयर कर रहे हो. सो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग वॉज ऑल्सो रिक्वायर्ड. दिस इज ऑल्सो सजेशन. ठीक है, हा देखो आज का समय तो अब जवाब दे रहा है. आज यहीं क्लोज करते हैं.